दाले, दाले, दाले। इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिसके पीछे सालों से पड़े इस तरह के क्रिमिनल्स बहुत चार्मिंग होते हैं और बहुत खतरनाक भी के बहुत मजा आएगा मिस्टर ए आई थिंक वील हैव फन राजवीर नंदा इंटरनेशनल फिल्म मेंटली अनस्टेबल मुझे साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है साथ काम क्या काम कैसा काम मैं कुछ नहीं करेगा हां तुम लोग के साथ हमेशा डेंजर रहता है लाइफ का मेरे को नहीं करने का है। मत समझे बहुत जानकार भी डरनी है वो शुरुआत मिस्टर यानी ऋतिक रोशन के ब्रिटिश रानी के मुकुट चोरी करने से होती है नई उन्नत मिलने पर अफसर अली यानी उदय चोपड़ा और छेद, यानी अभिषेक बच्चन सोनाली बोस यानी पासा पशु से मिलते हैं और जो जय के अच्छे दोस्त भी है शुरुआती छानबीन से जय को पता चलता है कि मिस्टर ए मुंबई में अगली चोरी करेगा और शहर में स्थित किसी दो संग्रहालयों में चोरी हो गई तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की निगरानी कर रहा है वह गलत है और वह तुरंत दूसरे संग्रहालय की ओर दौड़ता है जहाँ मिस्टर ए बेस बदल हीरा चुरा फरार हो जाता है टेलीविजन पर मिस्टर ए पुलिस को उसे पकड़ने के लिए उकसाता है और उन्हें अपनी अगली चोरी की जगह बताता है प्रणाम स्वरूप दीक्षित बोस और खान एक तलवार रखे गए किले पर सख्त पहरा बिठाते हैं रात को मिस्टर ए अपने बहरूपियों से मिलता है जहां तलवार रखी होती है पुलिस को खबर लग जाती है पर दोनों तलवार छुराकर भागने में कामयाब होते हैं बहरूपिया आखिर में सुनहरी यानी अश्र राय निकलती है जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है और वे दोनों साझेदारी बना लेते हैं रियो डी जेनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली चोरी की योजना बनाते हैं सूचना के मुताबिक दीक्षित और अली अभी शहर में आज पहुंचते हैं वक्त चलते सुनहरी और मिस्टर ए में प्यार हो जाता है और मिस्टर ए उसे अपना असली नाम आर्यन बता देता है परंतु आर्यन को पता चल जाता है कि सुनहरी जासूस है जो जय के लिए काम कर रही है वह उसे खेल में खुद को गोली मारने के लिए कहता है पर वह उसे नहीं मार पाती और अपना प्यार कबूल करती है रियो में दूसरी ओर अली को मुनाली यानी बिपाशा बसु सुनाली की जुड़वा बहन से प्यार हो जाता है अपनी आखिरी चोरी में आर्यन और सुनहरी सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और सुनहरी खुलासा करती है कि वह जय के लिए काम नहीं करना चाहती जिससे जय और अली उनके पीछे लग जाते हैं एक लंबे समय तक पीछा करने के बाद सभी एक झरने के पास पहुंच जाते हैं जहां सुनहरी को अली पकड़ लेता है सुनहरी अपनी भावनाएं आर्यन को बताने के बावजूद उसे गोली मार देती है और वह झरने से नीचे गिर जाता है आर्यन के गिरने के बाद जय सुनहरी को आजाद कर देता है छह महीने बाद खुलासा किया जाता है कि आर्यन अब भी जिंदा है और सुनहरी के साथ मिलकर उसने एक रेस्त्रा खोल लिया है जब आर्यन और सुनहरी को उसके रेस्तरा में आकर मिलता है और उन्हें बताता है कि उनके गुनाहों के बावजूद वह उन्हें नहीं पकड़ेगा आर्यन उसे बताता है कि सारे चुराई हुई वस्तियाँ कहाँ मिलेंगी जय को दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है पर वह उन्हें आगाह करता है कि अगर दोबारा चोरी की तो फिर से वह पीछे आ जाएगा इस फिल्म को सन 2006 में फिल्म फेयर सबसे अभिनेता पुरस्कार के लिए ऋतिक रोशन को पुरस्कार मिला था आदित्य चोपड़ा की फिल्म धूम टू को रिलीज हुए पंद्रह साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है बता दें कि यह फिल्म बता दें कि यह फिल्म साल 24 तो नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जमकर सफलता कमाई थी माना जाता है कि फिल्म ने करीब एक सौ इक्यावन करोड़ तक का कारोबार किया था और इसमें ऋतिक रोशन ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा और बिपाशा बसु लीड रोल में थे बता दें कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग ब्राजील में की गई थी फिल्म तो अपनी कहानी की वजह से हिट हुई ही थी लेकिन ऋतिक रोशन ऐश्वर्या ऐश्वर्या के के बीच किस सीन सीन भी बेहद धमाकेदार रहा था इस सीन को करने के बाद जहां राय की वजह से जमकर बवाल हुआ था क्योंकि यह पहला मौका था जब एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर यह किया था फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के बीच कुछ मिनट का किस सीन था यह पहला मौका था जब ऐश्वर्या राय ने स्क्रीन पर किसिंग सीन दिया था इसके बाद यह सीन बी टाउन की सुर्खियों में आ गया बता दें कि ये फिल्म की शूटिंग तब हुई थी जब एस और अभिषेक बच्चन की सगाई हो चुकी थी इसलिए बच्चन फैमिली भी इस सीन को लेकर नाराज़ थी और बाद में फ़िल्म से ये सीन हटा दिए गए थे इतनी ही नहीं ऐश्वर्या राय का एक इंटरव्यू में बताया गया था कि वह इस सीन को करने के बाद पछड़े में फंस गई और कई लोगों ने उन्हें लीगल नोटिस तक भेज दिए थे ऐश्वर्या ने एक फैशन मैगनीस को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन सीन की वजह से उन्हें क्या झेलना पड़ा था उन्होंने कहा था कि वे हॉलीवुड की कई स्क्रिप्ट इसलिए मना कर चुकी हैं क्योंकि वे पर्दे पर फिजिकल सीन्स करने में कम्फर्टेबल नहीं रहती धूम टू दो हजार छः में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है या धूम श्रृंखला की दूसरी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गढ़वी ने किया है और निर्माण आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा द्वारा किया गया है फिल्म में अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जय दीक्षित और अली मुख्य भूमिका में हैं और एक चोर मिस्टर ए यानी ऋतिक रोशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कई वस्तुएं अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके चुराता है इस फिल्म की लागत थी 35 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 150 करोड़ रुपए। धूम टू जिसे धूम टू बैक इन एक्शन के रूप में भी जाना जाता है और धूम टू के रूप में स्टाइल किया है संजय गढ़वी द्वारा निर्देशित है और विजय करहण आचार्य द्वारा लिखित एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक कहानी पर आधारित है निर्माता आदित्य चोपड़ा द्वारा जिन्होंने यशराज फिल्म के बैनर तले 350 मिलियन रुपए के अनुमानित बजट पर फिल्म का समर्थन किया फिल्म में ऋतिक रोशन अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय बिपाशा बसु उदय चोपड़ा हैं धुमटू को मुख्य रूप से भारत डरबन और रियोडी जेनेरियो में शूट किया गया था यह ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी हिंदी फिल्म बन गई थी यह 2004 की फिल्म धूम का शिकल है और धूम सुरेश की दूसरी किस्त है अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा ने क्रमशः जय दीक्षित और अली खान के दोस्त पुलिस के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेपे जींस और कोका कोला के साथ भी भागीदारी की है इस फिल्म का बजट था 350 मिलियन रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 1.5 पॉइंट बिलियन रुपए धूम टू का प्रीमियर 24 नवंबर 2006 को भारत में हुआ जहां इसे 1800 से अधिक प्रिंट के साथ भारतीय सिनेमा इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली और इसने 1.5 बिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया यह 2006 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और रिलीज के समय भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी यह विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी इसके एक्शन सीक्वेंस साउंड ट्रैक सनेटोग्राफी कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज होने पर आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन आलोचना ने इसके पेसिंग और लेखन की दिशा में निर्देशित किया बानवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में धूमटू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित आठ नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला रिलीज के बाद यह फिल्म विवादास्पाद भी साबित हुई क्योंकि मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा तेज गति वाले तेज ड्राइविंग दृश्यों को सेंसर करने की अपील की गई थी इस आशंका के कारण कि यह भारतीय युवाओं को अपनी मोटरसाइकिलों की सवारी के लिए प्रेरित करेगा जिसके परिणामस्वरूप वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में धूमथ्री नामक एक सुगंश को बीस 20 दिसंबर दो को रिलीज किया गया था जो अब तक की बारहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है और अपनी रिलीज के समय भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी धूम धूमटू कहानी की शुरुआत होती है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए कुन एलिजा बेद्य को ले जा रही है मिस्टर ए को ले जा रही एक ट्रेन पर चढ़ जाता है जहाँ वह खुद को रानी के रूप में प्रछन करके उसका मुकुट चुरा लेता है अपने गार्ड को आसानी से पीटता है और भाग जाता है एसीपी सी पी जयदित और नौपन्नोदत्त एस आई अली अकबर खान का परिचय सोनाली बोस से कराया जाता है जो श्री ए के मामले की जांच के लिए नियुक्त का पूर्व सहपाठी भी है प्रारंभिक जांच के बाद जय मिस्टर ए की चोरी में अंतर्निहित प्रवृत्ति का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जब जय को पता चलता है कि जिस संग्रहालय की वह रखवाली कर रहा है उसकी कलाकृतियाँ अपूर्ण हैं तो वह दूसरे संग्रहालय में जाता है जहाँ एक प्रचन्न मिस्टर ए एक दुर्बल हीरा चुराता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पकड़ने वाला होता है मिस्टर ए टीबी पर देखता है कि कोई और खुद होने का दावा करता है यह कहकर पुलिस को चुनौती देता है कि वह एक प्राचीन योद्धा तलवार चुरा लेगा जवाब में जय बोस और खान तलवार के स्थान पर एक सख्त पहरा देते हैं रात में मिस्टर ए असली चोर से मिलता है जिसने तलवार रखने वाले कमरे में टीबी के पर दावा किया था पुलिस सतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सुनाली घायल हो जाती है और वे भागने में सफल हो जाते हैं प्रतिरोपण करने वाली सुनहरी निकली एक महिला जो मिस्टर ए की पूजा करती है सुनहरी मिस्टर ए को एक गठबंधन बनाने के लिए मना कर लेती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल के एक खेल के बाद मिस्टर ए आखिरकार एक साथ काम करने के लिए सहमत हो गए रियोडीजिनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय जै के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया है जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वह हवाई सुनाली की जुड़वा बहन मोनाली से मिलते हैं जो केवल अंग्रेजी बोलती हैं और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सुनहरी जय से मिलती है और इस बात पर चर्चा करती है कि उसके और मिस्टर ए के बीच चीजें कैसे चल रही हैं यह खुलासा करते हुए कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वे उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को संदेश होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और मिस्टर ए उससे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताते हैं हालांकि रियो कार्निवल के दौरान मनोरंजनकर्ताओं में से एक के रूप में प्रचन्न आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देख लेता है और महसूस करता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूसी रूले खेलने के लिए मजबूर करता है सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से मना कर देती है लेकिन आर्यन उसे खेलने के लिए मजबूर करता है छह साठ के प्रयास के बाद न तो मारा गया क्योंकि आर्यन ने कभी बंदूक लोड ही नहीं की सुनहरी स्वीकार करती है कि उसने आर्यन को धोखा दिया और उसके लिए अपना प्यार कबूल करती है अपने अंतिम उत्तराधिकारी में आर्यन और सुनहरी ने प्रदर्शन करने वाले बोनो के रूम में प्रचन्न रहते हुए कुछ शुरुआती लिडियन सिक्कों को सफलतापूर्वक चुरा लिया डकैती सफलतापूर्वक होने के बाद जय को पता चलता है कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है और उसने उसे यह पुष्टि करने के लिए फोन किया कि वह आर्यन के साथ रहना चाहती है और जय के साथ इस स्पद्ध नहीं रहना चाहती जय और अली को उनके पीछे जाने के लिए मजबूर किया जाता है पीछा करने के बाद वे सभी एक झरने के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां अली सुनहरी को पकड़ लेता है सुनहरी आर्यन के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बावजूद उसे गोली मार देता है आर्यन झरने से गिरता है जिसके बाद जय सुनहरी को आजाद कर देता है छह महीने बाद यह पता चलता है कि आर्यन बच गया है और उसने सुनहरी के साथ फिजी द्वीप समूह में एक रेस्तरा खोला है जय रेस्तरा में आर्यन और सुनहरी से मिलता है और कहता है कि उनके अपराधों के बावजूद वह जोड़े को कैद नहीं करना चाहता आर्यन उसे बताता है कि डिजिटल घड़ी के जरिए चोरी की गई सभी कलाकृतियाँ कहाँ मिल सकती हैं जय एक दूसरे के प्रति युगल की भावनाओं से अवगत है और उन्हें अपने अपराध के जीवन में लौटने और अपने जीवन को बख्शने की चेतावनी के साथ रिहा करता है जाने के बाद जय को एक फोन आता है और अली को सूचित करता है कि उन्हें अपने अगले मामले के लिए भारत वापस जाना चाहिए धूम फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2004 में धूम की रिलीज के साथ हुई थी यह फिल्म एक व्यवसायिक बॉक्स ऑफिस हिट बन गई और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई लेकिन समीक्षकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं भी मिली नसीर निर्माता एस चोपड़ा ने धूम टू बैक इन एक्शन नामक शुक्ल की योजना की घोषणा की पूर्वर्ती के खलनायक कबीर शर्मा के पात्र जॉन अब्राहम को अगली कड़ी से बाहर कर दिया गया क्योंकि चोपड़ा नहीं चाहते थे कि धूमटू अपने पूर्ववर्ती की कहानियों को दोहराए इसके बजाय ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय को अगली कड़ी के मुख्य खलनायक के रूप में फ्रेंचाइजी में पेश किया गया राय के चरित्र को कैट वूमन के रूप में संक्षेपित किया गया था जो एक महिला काल्पनिक कामिक बुक पेमेल फोटले या एंटी हीरो थी राय ने कहा मैं आपको केवल इतना बता सकती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आपने मुझे पहले करते हुए देखा है निर्माता आदित्य चोपड़ा ने राय को ब्राइड एंड प्रेजुडिस में अपनी भूमिका के लिए अपना वजन कम करने के लिए कहा यश चोपड़ा ने कहा लेकिन हाँ भूमिका के लिए राय को बहुत अधिक कामुकता व्यक्त करने की आवश्यकता होती है उसने आकार में आने के लिए कुछ महीनों का समय मांगा हम हर स्क्रिप्ट में हर चरित्र के बारे में बहुत स्पष्ट और क्या है अभिनेताओं की आवश्यकता थी धूम से पहले ईशा देवल को विशेष रूप से उनके लुक और उसके रवैये के बारे में बताया गया था जिससे उन्हें विकसित करने की आवश्यकता थी वह आसानी से सहमत हो गई और देखे कि धूम ने उनके करियर के साथ क्या किया रोशन ने अपनी भूमिकाओं के लिए पाँच किलो वजन भी घटाया आदित्य चोपड़ा ने अनुरोध पर अब्राहम और देवल के अपवाद के साथ धूम में अन्य सभी पृष्ठ के साथ संगीत प्रीतम द्वारा रचा गया था आसिफ अली बेग द्वारा धूम अगेन और बंटी राजपूत द्वारा रिमिक्स किए गए क्रेजी किआर रिमिक्स को छोड़कर गीत समीर द्वारा लिखे गए थे हालांकि गाने के अधिकांश बोल मुख्य रूप से कुछ अंग्रेजी के साथ हिंदी में लिखे गए हैं धोमगैन लगभग पूरी तरह से अंग्रेजी में है साउंड ट्रैक को समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी लेकिन दर्शकों ने इसकी भरपूर प्रशंसा की यह वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया फिल्म का साउंड ट्रैक अन्य ऑडियो प्रारूप के अलावा डी ऑडियो में रिलीज होने वाला भारतीय सिनेमा में पहला है लंदन में 5.1 पॉइंट साउंड साउंड में पटरियों को मिलाया गया बैंक बैंक हॉलीवुड की नाइट एंड डे का अधिकृत रूप से हिंदी रीमेक है फॉक्स स्टार स्टूडियो और फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ आनंद का कहना है कि दर्शक फिल्म के जबरदस्त एक्शन को देख रोमांचित हो उठेंगे एक सीक्रेट एजेंट की जिंदगी की कहानी बयां करती इस फिल्म में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक्शन है फिल्म निर्माताओं का कहना है कि फिल्म के धांसु एक्शन आधुनिक हथियारों का प्रयोग और कोलाहल को सिर्फ बैंक बैंग नाम ही दिया जा सकता है बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश हीरो माने जाने वाले ऋतिक रोशन को उनके फैंस सीक्रेट एजेंट की भूमिका में देखने का इंतजार कर रहे थे कहानी की शुरुआत एक सीधी साधी बैंक रिसेप्शनिस्ट हरलीन साहनी यानी कैटरीना कैप और एक चार्मिंग लेकिन रहसमी किस्म के शख्स राजवीर नंदा यानी ऋतिक रोशन की अचानक मुलाकात के साथ होती है संयोग से हुई इस मुलाकात के दौरान आसमान में मंडराते प्लेन कार चेज और धुआंधार गोलीबारी शुरू हो जाती है लेकिन राजवीर के साथ देश विदेश में लंबी यात्राएं करने के बाद हरलीन को यह महसूस होता है की वह एक अच्छा इंसान है क्या राजवीर पर विश्वास कर सकती है लेकिन क्या ऐसी स्थिति में जब राजवीर का सामना अब भी इन खतरों से हो रहा है हरलीन का उस पर विश्वास करना कारगर होगा राजवीर यानी ऋतुक रोशन के पास कोई नूर हीरा है और उसके पीछे हैं बहुत सारे लोग उसके डेयरिंग स्टंट से अपने पीछे पड़े लोगों से बचा लेते हैं इस बीच उसकी लाइफ में आती है एक बैंक रिसेप्शनिस्ट हरलिन साहनी यानी कैटरीना कैप हरलिन को राजबीर से प्यार हो जाता है लेकिन वो हमेशा एक अजीब कन्फ्यूजन में रहती है क्योंकि जब भी उसकी राजबीर से मुलाकात होती है उस पर कोई ना कोई एंडरेंस अटैक हो जाता है एक और अजीब बात है राजबीर उसे अपने साथ कभी शिमला कभी अबूधाबी और कभी प्राग ले जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो वहाँ पहुँची कैसे क्योंकि वो कभी होशो हवास में नहीं जाती बल्कि बेहोशी में लाई जाती है और क्या बताएं? क्योंकि बताने के लिए कुछ होना भी चाहिए फिल्म के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने पहले भी कोई जिक्र के काबिल फिल्म नहीं दी है तो उनसे उम्मीद करना बेकार है पर ऋतिक रोशन से काफ़ी एक्सपेक्ट किया था लेकिन एक्टिंग में उन्होंने मेहनत नहीं की है पैटरीना जब आधे टाइम बेहोश रहती थी तो बेचारी क्या करती अगर आपने दोनों की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में देखने के बाद इस फिल्म को देखने का डिसीजन लिया है तो जाहिर है आपके टूटे दिल पर मरहम रखने के लिए महज दमदार एक्शन और ब्रेथ टेकिंग स्टंट ही हैं। क्योंकि हॉलीवुड में अमेजिंग स्पाइडमैन एक्शन डायरेक्टर एंटी आर्मस्ट्रांग ने अपना काम बाखूबी किया है अब आप समझ सकते हैं कि ऋतिक रोशन एक्शन सीन क्यों हाईलाइट कर रहे थे और शाहिद कपूर जो बैंग बैंग डेयर उन्होंने दिया है वो खुद उनके लिए कितने फायदे का सौदा है क्योंकि वो खुद तो हैदर दिखेंगे और शाहिद झेलेंगे बैंग बैंग ये शायद ट्रेजिडी ही है कि कंटेंट और एक्टिंग से भरपूर हैदर को ओपनिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में बैंग बैंग ने पीछे छोड़ दिया लेकिन ये मूवी टाइम पास के लिए वन टाइम वॉच ही है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म बैंक बैंग, बैंग प्रेरित है हॉलीवुड फिल्म डे एंड नाइट से लेकिन चूंकि हमने डे एंड नाइट नहीं देखी है इसलिए दोनों फिल्मों की तुलना नहीं कर सकते वैसे बैंक बैंग की कहानी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि उससे कहानी का सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा हम आपको बैंक बैंग के बारे में सिर्फ इतना बता सकते हैं कि लंदन से कोहिनूर ही हीरो की चोरी के आरोपी हैं राजवीर यानी ऋतिक रोशन और इसलिए उनके पीछे पड़ी है लंदन से लेकर भारत तक की खुफिया एजेंसियाँ ऋतिक रोशन इन सबसे भाग रहे हैं और इतिभाग से मिली कटरीना कैप भी उनके साथ भाग रही हैं। फिल्म में जबरदस्त एक्शन है सुंदर दृश्य हैं और खूबसूरत फोटोग्राफी है फिल्म में कैटरीना और ऋतिक रोशन के किरदार कहीं कहीं हंसाते भी हैं बैंक बैंक में कई ट्विस्ट एंड टर्नस हैं और फिल्म अपने सस्पेंस को भी बरकरार रखती है यानी कह सकते हैं कि बैंग बैंग को पूरी तरह एक बॉलीवुड मसाला फिल्म बनाने की कोशिश की गई है लेकिन फिल्म के निर्देशक हैं सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने पहले भी कोई ग्रेट फिल्म नहीं दी है इसलिए हम उनसे ज़्यादा उम्मीद लेकर भी नहीं गए थे हम गए थे यह सोच कर ऋतिक रोशन और कटरीना की फिल्म में अच्छी कहानी भी होगी मगर अफसोस हम निराश हुए बैंग बैंग की कहानी कमजोर है और संगीत भी बेहद साधारण है यानी मैं कह सकता हूँ कि फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा जो कहानी का होता है वह कमज़ोर है और जो कुछ है भी उसमें कुछ नयापन नहीं है अगर आप ऋतिक रोशन और कैटरीना कैप के फैन या आपको एक्शन देखना बेहद अच्छा लगता है या सुंदर दृश्य देखना पसंद है तो इस फिल्म को आप एक बार देख सकते हैं वैसे अगर नहीं देखोगे तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बैंग बैंग जितना डिजर्व करती है मैं उससे कुछ ज्यादा रेटिंग दे रहा हूँ इसके जबरदस्त एक्शन और सुंदर दृश्यों के लिए मेरी तरफ से इस फिल्म की रेटिंग है थ्री स्टार आउट ऑफ फाइव बैंग बैंग एक मसाला एक्शन फिल्म है इस मूवी के अगर एक्शन और स्टंट की बात करें तो यह धूम टू और धूम थ्री से काफी अच्छे हैं फिल्म में एक्शन सीन ही सबसे बड़े प्लस पॉइंट हैं हवाई जहाज स्टीमर कार बाइक की रेस समुद्र में ऋतिक कटरीना पर फिल्माए गए एक्शन सीन इससे पहले शायद ही किसी हिंदी फिल्म में नजर आए हों मूवी का बेस्ट पार्ट इसका क्लाइमैक्स है जिससे कार चेंजिंग सीन लाजवाब हैं। इस कहानी में देहरादून के राजवीर यानी ऋतिक रोशन के पास कोहिनूर हीरा है जो लंदन में पिछले करीब डेढ़ सौ सालों से सुरक्षित पड़ा है लेकिन यह हीरा अब राजवीर के पास है राजवीर के साथ इस कोहिनूर का सौदा करने के लिए एक इंटरनेशनल गैंग के लोग शिमला आते हैं यही राजबीर की मुलाकात शिमला के एक बैंक में रिसेप्शनिस्ट हरलीन शाहन यानी कैटरीना कैप से होती है जो यहाँ अपनी दादी के साथ रहती है हरलीन का सपना पूरी दुनिया घूमने का है पहली ही मुलाकात में हरलीन राजबीर पर फिदा हो जाती है अजीब संयोग है दोनों जब भी कहीं मिलते हैं वही राजबीर पर अटैक होता है ऐसे में राजबीर को शक होता है इसी बीच राजबीर को ऐसे सुराग मिलते हैं जिसका पता लगाने के लिए वह प्राग जाता है और उसके साथ हरलीन भी होती है यहीं से कहानी टर्न लेती है और कहानी में डॉन उमर जफर डैनी की एंट्री होती है जफर अपने गैंग के साथ किसी भी कीमत पर इस कोहिनी और हीरो को हासिल करने में लगा है दूसरी ओर प्राग में आ चुके राजबीर को इंतजार है उमर जफर से मुलाकात का क्रिश और धूम करने के बाद ऋतिक के लिए राजबीर का किरदार करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा यकीनन शुरुआत से आखिर तक पूरी फिल्म ऋतिक रोशन के कंधे पर टिकी है हैरत है डैनी है जिसे कलाकारों को डायरेक्टर ने बेहद कम फुटेज क्यों दी हर बार की तरह इस बार भी कैटरीना हिंदी ठीक नहीं बोल पाई शायद यही वजह रही कि डायरेक्टर ने हरलीन के किरदार को कनाडा मोल का बताया है जावेद जाफरी और पवन मल्होत्रा ने अपने किरदार अच्छे ढंग से निभाए हैं फिल्म की शुरुआत मिस्टर यानी ऋतिक रोशन के ब्रिटिश रानी के मुकुट चोरी करने से होती है नई उन्नत मिलने पर अफसर अली यानी उदय चोपड़ा और जयदिश छिथ यानी अभिषेक बच्चन सोनाली बोस यानी पासा पशु से मिलते हैं और जो जय के अच्छे दोस्त भी है शुरुआती छानबीन से जय को पता चलता है कि मिस्टर ए मुंबई में अगली चोरी करेगा और शहर में स्थित किसी दो संग्रहालयों में चोरी हो गई तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की निगरानी कर रहा है वह गलत है और वह तुरंत दूसरे संग्रहालय की ओर दौड़ता है जहाँ मिस्टर ए बेस बदल हीरा चुरा फरार हो जाता है टेलीविजन पर मिस्टर ए पुलिस को उसे पकड़ने के लिए उकसाता है और उन्हें अपनी अगली चोरी की जगह बताता है परिणाम स्वरूप दीक्षित बोस और खान एक तलवार रखे गए किले पर सख्त पहरा बिठाते हैं रात को मिस्टर ए अपने बहरूपियों से मिलता है जहां तलवार रखी होती है पुलिस को खबर लग जाती है पर दोनों तलवार चुराकर भागने में कामयाब होते हैं बहरुपिया आखिर में सुनहरी यानी अशर राय निकलती है जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है और वे दोनों साझेदारी बना लेते हैं रियो डी जेनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली चोरी की योजना बनाते हैं सूचना के मुताबिक दीक्षित और अली अभी शहर में आज पहुँचते हैं वक्त चलते सुनहरी और मिस्टर ए में प्यार हो जाता है और मिस्टर ए उसे अपना असली नाम आर्यन बता देता है परंतु आर्यन को पता चल जाता है कि सुनहरी जासूस है जो जय के लिए काम कर रही है वह उसे खेल में खुद को गोली मारने के लिए कहता है पर वह उसे नहीं मार पाती और अपना प्यार कबूल करती है रियो में दूसरी ओर अली को मुनली यानी बिपाशा बसु सुनाली की जुड़वा बहन से प्यार हो जाता है अपनी आखिरी चोरी में आर्यन और सुनहरी सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और सुनहरी खुलासा करती है कि वह जय के लिए काम नहीं करना चाहती जिससे जय और अली उनके पीछे लग जाते हैं एक लंबे समय तक पीछा करने के बाद सभी एक झरने के पास पहुँच जाते हैं जहाँ सुनहरी को अली पकड़ लेता है सुनहरी अपनी भावनाएं आर्यन को बताने के बावजूद उसे गोली मार देती है और वह झरने से नीचे गिर जाता है आर्यन के गिरने के बाद जय सुनहरी को आजाद कर देता है छह महीने बाद खुलासा किया जाता है कि आर्यन अब भी जिंदा है और सुनहरी के साथ मिलकर उसने एक रेस्तरा खोल लिया है जब आर्यन और सुनहरी को उसके रेस्तरा में आकर मिलता है और उन्हें बताता है कि उनके गुनाहों के बावजूद वह उन्हें नहीं पकड़ेगा आर्यन उसे बताता है कि सारे चुराई हुई वस्तुएँ कहाँ मिलेंगी जय को दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है पर वह उन्हें आगाह करता है कि अगर दोबारा चोरी की तो फिर से वह पीछे आ जाएगा इस फिल्म को सन 2006 में फिल्म फेयर सबसे अभिनेता पुरस्कार के लिए ऋतिक रोशन को पुरस्कार मिला था आदित्य चोपड़ा की फिल्म धूम टू को रिलीज हुए पंद्रह साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है बता दें कि यह फिल्म साल बता दें कि यह फिल्म साल 24 तो नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जमकर सफलता कमाई थी माना जाता है कि फिल्म ने करीब एक, एक करोड़ तक का कारोबार किया था और इसमें ऋतिक रोशन ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा और बिपाशा बसु लीड रोल में थे बता दें कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग ब्राजील में की गई थी फिल्म तो अपनी कहानी की वजह से हिट हुई ही थी लेकिन ऋतिक रोशन ऐश्वर्या के बीच किस सीन भी बेहद धमाकेदार रहा था इस सीन को करने के बाद जहाँ ऐश्वर्या राय की वजह से जमकर बवाल हुआ था क्योंकि यह पहला मौका था जब एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर यह किया था फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के बीच कुछ मिनट का किस सीन था यह पहला मौका था जब ऐश्वर्या राय ने स्क्रीन पर किसिंग सीन दिया था इसके बाद यह सीन बी टाउन की सुर्खियों में आ गया बता दें कि ये फ़िल्म की शूटिंग तब हुई थी जब एस और अभिषेक बच्चन की सगाई हो चुकी थी इसलिए बच्चन फैमिली भी इस सीन को लेकर नाराज़ थी और बाद में फ़िल्म से ये सीन हटा दिए गए थे इतनी ही नहीं ऐश्वर्या राय का एक इंटरव्यू में बताया गया था कि वह इस सीन को करने के बाद पछड़े में फंस गई और कई लोगों ने उन्हें लीगल नोटिस तक भेज दिए थे ऐश्वर्या ने एक फैशन मैगनीश को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन सीन की वजह से उन्हें क्या झेलना पड़ा था उन्होंने कहा था कि वे हॉलीवुड की कई स्क्रिप्ट इसलिए मना कर चुकी हैं क्योंकि वे पर्दे पर फिजिकल सीन्स करने में कम्फर्टेबल नहीं रहती धूम टू दो में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है या धूम श्रृंखला की दूसरी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गढ़वी ने किया है और निर्माण आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा द्वारा किया गया है फिल्म में अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जयदीप और अली मुख्य भूमिका में हैं और एक चोर मिस्टर ए अनिपिक रोशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कई वस्तुएं अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके चुराता है इस फिल्म की लागत थी 35 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 150 करोड़ रुपए। धूम टू जिसे धूम टू बैक इन एक्शन के रूप में भी जाना जाता है और धूम टू के रूप में स्टाइल किया है संजय गढ़वी द्वारा निर्देशित है और विजय कृण आचार्य द्वारा लिखित एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक कहानी पर आधारित है निर्माता आदित्य चोपड़ा द्वारा जिन्होंने यशराज फिल्म के बैनर तले 350 मिलियन रुपए के अनुमानित बजट पर फिल्म का समर्थन किया फिल्म में ऋतिक रोशन अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय बिपाशा बसु उदय चोपड़ा हैं धुमटू को मुख्य रूप से भारत डरबन और योडी जेनेरियो में शूट किया गया था यह ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी हिंदी फिल्म बन गई थी यह 2004 की फिल्म धूम का शिकल है और धूम शीरीज की दूसरी किस्त है अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा ने क्रमशः जय दीक्षित और अली खान के दोस्त पुलिस के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेपे जींस और कोका कोला के साथ भी भागीदारी की है इस फिल्म का बजट था 350 मिलियन रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 1.5 पॉइंट बिलियन रुपए धूम टू का प्रीमियर 24 नवंबर 2006 को भारत में हुआ जहां इसे 1800 से अधिक प्रिंट के साथ भारतीय सिनेमा इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली और इसने 1.5 बिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया यह 2006 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और रिलीज के समय भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी यह विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी इसके एक्शन सीक्वेंस साउंड ट्रैक सोनोमेटोग्राफी कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज होने पर आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन आलोचना ने इसके पेसिंग और लेखन की दिशा में निर्देशित किया बानवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में धुमटू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित आठ नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला रिलीज के बाद यह फिल्म विवादस्पाद भी साबित हुई क्योंकि मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा तेज गति वाले तेज ड्राइविंग दृश्यों को सेंसर करने की अपील की गई थी इस आशंका के कारण कि यह भारतीय युवाओं को अपनी मोटरसाइकिलों की सवारी के लिए प्रेरित करेगा जिसके परिणामस्वरूप वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में धूमथिरी नामक एक सीक्वेंस को 20 दिसंबर 2013 को रिलीज किया गया था जो अब तक की बारहवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है और अपनी रिलीज के समय भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी धूम टू कहानी की शुरुआत होती है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए कुन एलिजा बेद्य को ले जा रही है मिस्टर ए कुन एलिजा बेद्य को ले जा रही एक ट्रेन पर चढ़ जाता है जहाँ वह खुद को रानी के रूप में प्रछन करके उसका मुकुट चुरा लेता है अपने गार्ड को आसानी से पीटता है और भाग जाता है ए सी पी जय दच्छित और नौपन्नोदत्त एस आई अली अकबर खान का परिचय सोनाली बोस से कराया जाता है जो श्री ए के मामले की जांच के लिए नियुक्त का पूर्व सहपाठी भी है प्रारंभिक जांच के बाद जय मिस्टर ए की चोरी में अंतर्निहित प्रवृत्ति का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जब जय को पता चलता है कि जिस संग्रहालय की वह रखवाली कर रहा है उसकी कलाकृतियाँ अपूर्ण हैं तो वह दूसरे संग्रहालय में जाता है जहाँ एक प्रचन्न मिस्टर ए एक दुर्बल हीरा चुराता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पकड़ने वाला होता है मिस्टर ए टी पर देखता है कि कोई और खुद होने का दावा करता है यह कहकर पुलिस को चुनौती देता है कि वह एक प्राचीन योद्धा तलवार चुरा लेगा जवाब में जय बोस और खान तलवार के स्थान पर एक सख्त पहरा देते हैं रात में मिस्टर ए असली चोर से मिलता है जिसने तलवार रखने वाले कमरे में टी बी के पर दावा किया था पुलिस सतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सुनाली घायल हो जाती है और वे भागने में सफल हो जाते हैं प्रत्योपण करने वाली सुनहरी निकली एक महिला जो मिस्टर ए की पूजा करती है सुनहरी मिस्टर ए को एक गठबंधन बनाने के लिए मना कर लेती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केटबॉल के एक खेल के बाद मिस्टर ए आखिरकार एक साथ काम करने के लिए सहमत हो गए रियोडीजनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया है जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वह हवाई सुनाली की जुड़वा बहन मोनाली से मिलते हैं जो केवल अंग्रेजी बोलती हैं और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सुनहरी जय से मिलती है और इस बात पर चर्चा करती है कि उसके और मिस्टर ए के बीच चीजें कैसे चल रही हैं यह खुलासा करते हुए कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वे उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को संदेश होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और मिस्टर ए उससे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताते हैं हालांकि रियो कार्निवल के दौरान मनोरंजनकर्ताओं में से एक के रूप में प्रछन आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देख लेता है और महसूस करता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूसी रूले खेलने के लिए मजबूर करता है सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से मना कर देती है लेकिन आर्यन उसे खेलने के लिए मजबूर करता है छह साठ के प्रयास के बाद न तो मारा गया क्योंकि आर्यन ने कभी बंदूक लोड ही नहीं की सुनहरी स्वीकार करती है कि उसने आर्यन को धोखा दिया और उसके लिए अपना प्यार कबूल करती है अपने अंतिम उत्तराधिकारी में आर्यन और सुनहरी ने प्रदर्शन करने वाले बोनो के रूम में प्रचन्न रहते हुए कुछ शुरुआती लिडियन सिक्कों को सफलतापूर्वक चुरा लिया डकैती सफलतापूर्वक होने के बाद जय को पता चलता है कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है और उसने उसे यह पुष्टि करने के लिए फोन किया कि वह आर्यन के साथ रहना चाहती है और जय के साथ इस स्पद्ध नहीं रहना चाहती जय और अली को उनके पीछे जाने के लिए मजबूर किया जाता है पीछा करने के बाद वे सभी एक झरने के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां अली सुनहरी को पकड़ लेता है सुनहरी आर्यन के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बावजूद उसे गोली मार देता है आर्यन झरने से गिरता है जिसके बाद जय सुनहरी को आजाद कर देता है छ महीने बाद यह पता चलता है कि आर्यन बच गया है और उसने सुनहरी के साथ फिजी द्वीप समूह में एक रेस्तरा खोला है जय रेस्तरा में आर्यन और सुनहरी से मिलता है और कहता है कि उनके अपराधों के बावजूद वह जोड़े को कैद नहीं करना चाहता आर्यन उसे बताता है कि डिजिटल घड़ी के जरिए चोरी की गई सभी कलाकृतियाँ कहाँ मिल सकती हैं जय एक दूसरे के प्रति युगल की भावनाओं से अवगत है और उन्हें अपने अपराध के जीवन में लौटने और अपने जीवन को बख्शने की चेतावनी के साथ रिहा करता है जाने के बाद जय को एक फोन आता है और अली को सूचित करता है कि उन्हें अपने अगले मामले के लिए भारत वापस जाना चाहिए धूम फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2004 में धूम की रिलीज के साथ हुई थी यह फिल्म एक व्यवसायिक बॉक्स ऑफिस हिट बन गई और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई लेकिन समीक्षकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं भी मिली नसीर जनर्माता और चोपड़ा ने धूम 2 बैक इन एक्शन नामक sequel की योजना की घोषणा की पूर्वर्ती के खलनायक कबीर शर्मा के पात्र जॉन अब्राहम को अगली कड़ी से बाहर कर दिया गया क्योंकि चोपड़ा नहीं चाहते थे कि धूमटू अपने पूर्ववर्ती की कहानियों को दोहराए इसके बजाय ऋतिक रोशन और अश्वर्या राय को अगली कड़ी के मुख्य खलनायक के रूप में फ्रेंचाइजी में पेश किया गया राय के चरित्र को कैट वूमन के रूप में संक्षेपित किया गया था जो एक महिला काल्पनिक कामिक बुक पेमेल फोटले या एंटी हीरो थी राय ने कहा मैं आपको केवल इतना बता सकती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आपने मुझे पहले करते हुए देखा है निर्माता आदित्य चोपड़ा ने राय को ब्राइड एंड प्रेजुडिस में अपनी भूमिका के लिए अपना वजन कम करने के लिए कहा यश चोपड़ा ने कहा लेकिन हाँ भूमिका के लिए राय को बहुत अधिक कामुकता व्यक्त करने की आवश्यकता होती है उसने आकार में आने के लिए कुछ महीनों का समय मांगा हम हर स्क्रिप्ट में हर चरित्र के बारे में बहुत स्पष्ट और क्या है अभिनेताओं की आवश्यकता थी धूम से पहले ईशा देवल को विशेष रूप से उनके लुक और उसके रवैये के बारे में बताया गया था जिससे उन्हें विकसित करने की आवश्यकता थी वह आसानी से सहमत हो गई और देखे कि धूम ने उनके करियर के साथ क्या किया रोशन ने अपनी भूमिकाओं के लिए पाँच किलो वजन भी घटाया आदित्य चोपड़ा ने अनुरोध पर अब्राहम और देवल के अपवाद के साथ धूम में पृष्ठ के साथ संगीत प्रीतम द्वारा रचा गया था आसिफ अली बेग द्वारा धूम अगेन और बंटी राजपूत द्वारा रिमिक्स किए गए क्रेजी रिमिक्स को छोड़कर गीत समीर द्वारा लिखे गए थे हालांकि गाने के अधिकांश बोल मुख्य रूप से कुछ अंग्रेजी के साथ हिंदी में लिखे गए हैं धोमगैन लगभग पूरी तरह से अंग्रेजी में है साउंड ट्रैक को समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी लेकिन दर्शकों ने इसकी भरपूर प्रशंसा की यह वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया फिल्म का साउंड ट्रैक अन्य ऑडियो प्रारूप के अलावा डी ऑडियो में रिलीज होने वाला भारतीय सिनेमा में पहला है लंदन में 5.1 पॉइंट साउंड साउंड में पटरीयों को मिलाया गया बैंग बैंक हॉलीवुड की नाइट एंड डे का अधिकृत रूप से हिंदी रीमेक है फॉक्स स्टार स्टूडियो और फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ आनंद का कहना है कि दर्शक फिल्म के ज़बरदस्त एक्शन को देख रोमांचित हो उठेंगे एक सीक्रेट एजेंट की जिंदगी की कहानी बयां करती इस फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक्शन है फिल्म निर्माताओं का कहना है कि फिल्म के धांसू एक्शन आधुनिक हथियारों का प्रयोग और कोलाहल को सिर्फ बैंक बैंग नाम ही दिया जा सकता है बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश हीरो माने जाने वाले ऋतिक रोशन को उनके फैंस सीक्रेट एजेंट की भूमिका में देखने का इंतज़ार कर रहे थे कहानी की शुरुआत एक सीधी साधी बैंक रिसेप्शनिस्ट हरलीन साहनी यानी कैटरीना कैप और एक चार्मिंग लेकिन रहसमी किस्म के शख्स राजवीर नंदा यानी ऋतिक रोशन की अचानक मुलाकात के साथ होती है संयोग से हुई इस मुलाकात के दौरान आसमान में मंडराते प्लेन कार चेज और धुआंधार गोलीबारी शुरू हो जाती है लेकिन राजवीर के साथ देश विदेश में लंबी यात्राएं करने के बाद हरलीन को यह महसूस होता है की वह एक अच्छा इंसान है क्या राजवीर पर विश्वास कर सकती है लेकिन क्या ऐसी स्थिति में जब राजवीर का का सामना आप भी इन खतरों से हो रहा है हरलीन का उस पर विश्वास करना कारगर होगा राजवीर यानी ऋतुक रोशन के पास कोई नूर हीरा है और उसके पीछे हैं बहुत सारे लोग उसके डेरिंग स्टंट से अपने पीछे पड़े लोगों से बचा लेते हैं इस बीच उसकी लाइफ में आती है एक बैंक रिसेप्शनिस्ट हरलिन साहनी यानी कैटरीना कैप हारलिन को राजबीर से प्यार हो जाता है लेकिन वो हमेशा एक अजीब कन्फ्यूजन में रहती है क्योंकि जब भी उसकी राजबीर से मुलाकात होती है उस पर कोई ना कोई एंडरेंस अटैक हो जाता है एक और अजीब बात है राजबीर उसे अपने साथ कभी शिमला कभी अबू धाबी और कभी प्राग ले जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो वहाँ पहुँची कैसे क्योंकि वो कभी होशो हवास में नहीं जाती बल्कि बेहोशी में लाई जाती है और क्या बताएँ क्योंकि बताने के लिए कुछ होना भी चाहिए फिल्म के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने पहले भी कोई जिक्र के काबिल फिल्म नहीं दी है तो उनसे उम्मीद करना बेकार है पर ऋतिक रोशन से काफ़ी एक्सपेक्ट किया था लेकिन एक्टिंग में उन्होंने मेहनत नहीं की है कैटरीना जब आधे टाइम बेहोश रहती थी तो बेचारी क्या करती अगर आपने दोनों की ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में देखने के बाद इस फिल्म को देखने का डिसीजन लिया है तो जाहिर है आपके टूटे दिल पर मरहम रखने के लिए महज दमदार एक्शन और ब्रेथ टेकिंग स्टंट ही हैं क्योंकि हॉलीवुड में अमेजिंग स्पाइडमैन डायरेक्टर एंटी आर्मस्ट्रांग ने अपना काम बाखूबी किया है अब आप समझ सकते हैं कि ऋतिक रोशन एक्शन सीन क्यों हाईलाइट कर रहे थे और शाहिद कपूर जो बैंग बैंक डेयर उन्होंने दिया है वो खुद उनके लिए कितने फायदे का सौदा है क्योंकि खुद तो हैदर दिखेंगे और शाहिद झेलेंगे बैंग बैंग ये शायद ट्रेजिडी ही है कि कंटेंट और एक्टिंग से भरपूर हैदर को ओपनिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में बैंग बैंग ने पीछे छोड़ दिया लेकिन ये मूवी टाइम पास के लिए वन टाइम वॉच ही है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म बैंक बैंक प्रेरित है हॉलीवुड फिल्म डे एंड नाइट से लेकिन चूंकि हमने डे एंड नाइट नहीं देखी है इसलिए दोनों फिल्मों की तुलना नहीं कर सकते वैसे बैंक बैंक की कहानी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि उससे कहानी का सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा हम आपको बैंक बैंक के बारे में सिर्फ इतना बता सकते हैं कि लंदन से कोहिनूर ही हीरो की चोरी के आरोपी हैं राजवीर यानी ऋतिक रोशन और इसलिए उनके पीछे पड़ी है लंदन से लेकर भारत तक की खुफिया एजेंसियां। ऋतिक रोशन इन सबसे भाग रहे हैं और इतिभाग से मिली कटरीना कैफ भी उनके साथ भाग रही हैं फिल्म में जबरदस्त एक्शन है, सुंदर दृश्य हैं है और खूबसूरत फोटोग्राफी है फिल्म में कैटरीना और ऋतिक रोशन के किरदार कहीं कहीं हंसाते भी हैं बैंग बैंग में कई ट्विस्ट एंड टर्नस हैं और फिल्म अपने सस्पेंस को भी बरकरार रखती है यानी कह सकते हैं कि बैंग बैंग को पूरी तरह एक बॉलीवुड मसाला फिल्म बनाने की कोशिश की गई है लेकिन फिल्म के निर्देशक हैं सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने पहले भी कोई ग्रेट फिल्म नहीं दी है इसलिए हम उनसे ज्यादा उम्मीद लेकर भी नहीं गए थे हम गए थे या सोचकर कि ऋतिक रोशन और कैटरीना की फिल्म में अच्छी कहानी भी होगी मगर अफसोस हम निराश हुए बैंग बैंग की कहानी कमजोर है और संगीत भी बेहद साधारण है यानी मैं कह सकता हूँ कि फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा जो कहानी का होता है वह कमज़ोर है और जो कुछ है भी उसमें कुछ नयापन नहीं है अगर आप ऋतिक रोशन और कैटरीना कैप के फैन या आपको एक्शन देखना बेहद अच्छा लगता है या सुंदर दृश्य देखना पसंद है तो इस फिल्म को आप एक बार देख सकते हैं वैसे अगर नहीं देखोगे तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बैंग बैंक जितना डिजर्व करती है मैं उससे कुछ ज्यादा रेटिंग दे रहा हूँ इसके जबरदस्त एक्शन और सुंदर दृश्यों के लिए मेरी तरफ से इस फिल्म की रेटिंग है थ्री स्टार आउट ऑफ फाइव बैंग बैंग एक मसाला एक्शन फिल्म है इस मूवी के अगर एक्शन और स्टंट की बात करें तो यह धूम टू और धूम थ्री से काफी अच्छे हैं फिल्म में एक्शन सीन ही सबसे बड़े प्लस पॉइंट हैं हवाई जहाज स्टीमर कार बाइक की रेस समुद्र में ऋतिक कटरीना पर फिल्माए गए एक्शन सीन इससे पहले शायद ही किसी हिंदी फिल्म में नजर आए हों मूवी का बेस्ट पार्ट इसका क्लाइमैक्स है जिससे कार चेंजिंग सीन लाजवाब हैं। इस कहानी में देहरादून के राजवीर यानी ऋतिक रोशन के पास कोहनूर हीरा है जो लंदन में पिछले करीब डेढ़ सौ सालों से सुरक्षित पड़ा है लेकिन यह हीरा अब राजवीर के पास है राजवीर के साथ इस कोहिनूर का सौदा करने के लिए एक इंटरनेशनल गैंग के लोग शिमला आते हैं यही राजबीर की मुलाकात शिमला के एक बैंक में रिसेप्शनिस्ट हरलीन साहनी यानी कैटरीना कैप से होती है जो यहाँ अपनी दादी के साथ रहती है हरलीन का सपना पूरी दुनिया घूमने का है पहली ही मुलाकात में हरलीन राजबीर पर फिदा हो जाती है अजीब संयोग है दोनों जब भी कहीं मिलते हैं वही राजबीर पर अटैक होता है ऐसे में राजबीर को शक होता है इसी बीच राजबीर को ऐसे सुराग मिलते हैं जिसका पता लगाने के लिए वह पराग जाता है और उसके साथ हरलीन भी होती है यहीं से कहानी टर्न लेती है और कहानी में डॉन उमर जफर डैनी की एंट्री होती है जफर अपने गैंग के साथ किसी भी कीमत पर इस कोहिनी और हीरो को हासिल करने में लगा है दूसरी ओर प्राग में आ चुके राजबीर को इंतजार है उमर जफर से मुलाकात का क्रिश और धूम करने के बाद ऋतिक के लिए राजबीर का किरदार करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा यकीनन शुरुआत से आखिर तक पूरी फिल्म ऋतिक रोशन के कंधे पर टिकी है हैरत है डैनी है जिसे कलाकारों को डायरेक्टर ने बेहद कम फुटेज क्यों दी हर बार की तरह इस बार भी कैटरीना हिंदी ठीक नहीं बोल पाई शायद यही वजह रही कि डायरेक्टर ने हरलीन के किरदार को कनाडा मोल का बताया है जावेद जाफरी और पवन मल्होत्रा ने अपने किरदार अच्छे ढंग से निभाए हैं फिल्म की शुरुआत मिस्टर यानी ऋतिक रोशन के ब्रिटिश रानी के मुकुट चोरी करने से होती है नई उन्नत मिलने पर अफसर अली यानी उदय चोपड़ा और जयदिश छिथ यानी अभिषेक बच्चन सोनाली बॉस यानी पासा पशु से मिलते हैं और जो जय के अच्छे दोस्त भी है शुरुआती छानबीन से जय को पता चलता है कि मिस्टर ए मुंबई में अगली चोरी करेगा और शहर में स्थित किसी दो संग्रहालयों में चोरी हो गई तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की निगरानी कर रहा है वह गलत है और वह तुरंत दूसरे संग्रहालय की ओर दौड़ता है जहाँ मिस्टर ए बेस बदल हीरा चुरा फरार हो जाता है टेलीविजन पर मिस्टर ए पुलिस को उसे पकड़ने के लिए उकसाता है और उन्हें अपनी अगली चोरी की जगह बताता है स्वरूप दीक्षित बोस और खान एक तलवार रखे गए किले पर सख्त पहरा बिठाते हैं रात को मिस्टर ए अपने बहरूपियों से मिलता है जहां तलवार रखी होती है पुलिस को खबर लग जाती है पर दोनों तलवार चुराकर भागने में कामयाब होते हैं बहरुपिया आखिर में सुनहरी यानी अशर राय निकलती है जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है और वे दोनों साझेदारी बना लेते हैं रियो डी जेनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली चोरी की योजना बनाते हैं सूचना के मुताबिक दीक्षित और अली अभी शहर में आज पहुँचते हैं वक्त चलते सुनहरी और मिस्टर ए में प्यार हो जाता है और मिस्टर ए उसे अपना असली नाम आर्यन बता देता है परंतु आर्यन को पता चल जाता है कि सुनहरी जासूस है जो जय के लिए काम कर रही है वह उसे खेल में खुद को गोली मारने के लिए कहता है पर वह उसे नहीं मार पाती और अपना प्यार कबूल करती है रियो में दूसरी ओर अली को मुनाली यानी बिपाशा बसु सोनाली की जुड़वा बहन से प्यार हो जाता है अपनी आखिरी चोरी में आर्यन और सुनहरी सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और सुनहरी खुलासा करते हैं कि वह जय के लिए काम नहीं करना चाहती जिससे जय और अली उनके पीछे लग जाते हैं एक लंबे समय तक पीछा करने के बाद सभी एक झरने के पास पहुंच जाते हैं जहां सुनहरी को अली पकड़ लेता है सुनहरी अपनी भावनाएं आर्यन को बताने के बावजूद उसे गोली मार देती है और वह झरने से नीचे गिर जाता है आर्यन के गिरने के बाद जय सुनहरी को आज़ाद कर देता है छह महीने बाद खुलासा किया जाता है कि आर्यन अब भी जिंदा है और सुनहरे के साथ मिलकर उसने एक रेस्तरा खोल लिया है जब आर्यन और सुनहरे को उसके रेस्तरा में आकर मिलता है और उन्हें बताता है कि उनके गुनाहों के बावजूद वह उन्हें नहीं पकड़ेगा आर्यन उसे बताता है कि सारे चुराई हुई वस्तुएँ कहाँ मिलेंगी जय को दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है पर वह उन्हें आगाह करता है कि अगर दोबारा चोरी की तो फिर से वह पीछे आ जाएगा इस फिल्म को सन 2006 में फिल्म फेयर सबसे अभिनेता पुरस्कार के लिए ऋतिक रोशन को पुरस्कार मिला था आदित्य चोपड़ा की फिल्म धूम टू को रिलीज हुए पंद्रह साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है बता दें कि ये फिल्म साल बता दें कि ये फिल्म साल 24 नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जमकर सफलता कमाई थी माना जाता है कि फिल्म ने करीब एक सौ इक्यावन करोड़ तक का कारोबार किया था और इसमें ऋतिक रोशन ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा और बिपाशा बसु लीड रोल में थे बता दें कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग ब्राजील में की गई थी फिल्म तो अपनी कहानी की वजह से हिट हुई ही थी लेकिन ऋतिक रोशन ऐश्वर्या के बीच किस सीन भी बेहद धमाकेदार रहा था इस सीन को करने के बाद जहाँ ऐश्वर्या राय की वजह से जमकर बवाल हुआ था क्योंकि यह पहला मौका था जब एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर यह किया था फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के बीच कुछ मिनट का किस सीन था यह पहला मौका था जब ऐश्वर्या राय ने स्क्रीन पर किसिंग सीन दिया था इसके बाद यह सीन बी टाउन की सुर्खियों में आ गया बता दें कि यह फिल्म की शूटिंग तब हुई थी जब एस और अभिषेक बच्चन की सगाई हो चुकी थी इसलिए बच्चन फैमिली भी इस सीन को लेकर नाराज़ थी और बाद में फ़िल्म से यह सीन हटा दिए गए थे इतनी ही नहीं ऐश्वर्या राय का एक इंटरव्यू में बताया गया था कि वह इस सीन को करने के बाद पचड़े में फंस गई और कई लोगों ने उन्हें लीगल नोटिस तक भेज दिए थे ऐश्वर्या ने एक फैशन मैगनीश को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन सीन की वजह से उन्हें क्या झेलना पड़ा था उन्होंने कहा था कि वे हॉलीवुड की कई स्क्रिप्ट इसलिए मना कर चुकी हैं क्योंकि वे पर्दे पर फिजिकल सीन्स करने में कम्फर्टेबल नहीं रहती धूम टू दो में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है या धूम श्रृंखला की दूसरी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गढ़वी ने किया है निर्माण आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा द्वारा किया गया है, है उपयोग करके चुराता है इस फिल्म की लागत थी पैंतीस करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई थी एक करोड़ रुपए धूम टू जिसे धूम टू बैक इन एक्शन के रूप में भी जाना जाता है और धूम टू के रूप में स्टाइल किया है संजय गढ़वी द्वारा निर्देशित है और विजय करहण अचार द्वारा लिखित एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक कहानी पर आधारित है निर्माता आदित्य चोपड़ा द्वारा जिन्होंने यशराज फिल्म के बैनर तले 350 मिलियन रुपए के अनुमानित बजट पर फिल्म का समर्थन किया फिल्म में ऋतिक रोशन अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय बिपाशा बसु उदय चोपड़ा हैं धुमटू को मुख्य रूप से भारत डरबन और रियोडी जेनेरियो में शूट किया गया था यह ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी हिंदी फिल्म बन गई थी यह 2004 की फिल्म धूम का शिकल है और धूम शीरीज की दूसरी किस्त है अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा ने क्रमशः जय दीक्षित और अली खान के दोस्त पुलिस के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाया है जैसे राज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेपे जीन्स और कोका कोला के साथ भी भागीदारी की है इस फिल्म का बजट था 350 मिलियन रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 1.5 पॉइंट बिलियन रुपए धूम टू का प्रीमियर 24 नवंबर 2006 को भारत में हुआ जहां इसे 1800 से अधिक प्रिंट के साथ भारतीय सिनेमा इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली और इसने 1.5 बिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया यह 2006 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और रिलीज के समय भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी यह विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी इसके एक्शन सीक्वेंस साउंड ट्रैक सोनेटोग्राफी कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज होने पर आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन आलोचना ने इसके पेसिंग और लेखन की दिशा में निर्देशित किया बानवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में धुमटू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित आठ नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला रिलीज के बाद यह फिल्म विवाद भी साबित हुई क्योंकि मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा तेज गति वाले तेज ड्राइविंग दृश्यों को सेंसर करने की अपील की गई थी इस आशंका के कारण कि यह भारतीय युवाओं को अपनी मोटरसाइकिलों की सवारी के लिए प्रेरित करेगा जिसके परिणाम से वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में धूमथ्री नामक एक सुकंश को 20 दिसंबर 2013 को रिलीज किया गया था जो अब तक की बारहवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है और अपनी रिलीज के समय भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी धूम टू कहानी की शुरुआत होती है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए को ले जा रही है मिस्टर ए को ले जा रही एक ट्रेन पर चढ़ जाता है जहाँ वह खुद को रानी के रूम में परछन करके उसका मुकुट चुरा लेता है अपने गार्ड को आसानी से पीटता है और भाग जाता है एसीपी सी पी जय दीक्षित और नौपन्नोदत्त एस आई अली अकबर खान का परिचय सोनाली बोस से कराया जाता है जो श्री ए के मामले की जांच के लिए नियुक्त का पूर्व सहपाठी भी है प्रारंभिक जांच के बाद जय मिस्टर ए की चोरी में अंतर्निहित प्रवृत्त का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जब जय को पता चलता है कि जिस संग्रहालय की वह रखवाली कर रहा है उसकी कलाकृतियाँ अपूर्ण हैं तो वह दूसरे संग्रहालय में जाता है जहाँ एक प्रचन्न मिस्टर ए एक दुर्बल हीरा चुराता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पकड़ने वाला होता है मिस्टर ए टी पर देखता है कि कोई और खुद होने का दावा करता है यह कहकर पुलिस को चुनौती देता है कि वह एक प्राचीन योद्धा तलवार चुरा लेगा जवाब में जय बोस और खान तलवार के स्थान पर एक सख्त पहरा देते हैं रात में मिस्टर ए असली चोर से मिलता है जिसने तलवार रखने वाले कमरे में टीबी के पर दावा किया था पुलिस सतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सुनाली घायल हो जाती है और वे भागने में सफल हो जाते हैं प्रतरोपण करने वाली सुनहरी निकली एक महिला जो मिस्टर ए की पूजा करती है सुनहरी मिस्टर ए को एक गठबंधन बनाने के लिए मना कर लेती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केटबॉल के एक खेल के बाद मिस्टर ए आखिरकार एक साथ काम करने के लिए सहमत हो गए रियोडीजनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया है जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वह हवाई सुनाली की जुड़वा बहन मोनाली से मिलते हैं जो केवल अंग्रेजी बोलती हैं और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सुनहरी जय से मिलती है और इस बात पर चर्चा करती है कि उसके और मिस्टर ए के बीच चीजें कैसे चल रही हैं यह खुलासा करते हुए कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वे उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को संदेश होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और मिस्टर ए उससे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताते हैं हालांकि रियो कार्निवल के दौरान मनोरंजनकर्ताओं में से एक के रूप में प्रच्न आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देख लेता है और महसूस करता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूसी रूले खेलने के लिए मजबूर करता है सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से मना कर देती है लेकिन आर्यन उसे खेलने के लिए मजबूर करता है छह साठ के प्रयास के बाद न तो मारा गया क्योंकि आर्यन ने कभी बंदूक लोड ही नहीं की सुनहरी स्वीकार करती है कि उसने आर्यन को धोखा दिया और उसके लिए अपना प्यार कबूल करती है अपने अंतिम उत्तराधिकारी में आर्यन और सुनहरी ने प्रदर्शन करने वाले के रूम में प्रचन्न रहते हुए कुछ शुरुआती लिडियन सिक्कों को सफलतापूर्वक चुरा लिया डकैती सफलतापूर्वक होने के बाद जय को पता चलता है कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है और उसने उसे यह पुष्टि करने के लिए फोन किया कि वह आर्यन के साथ रहना चाहती है और जय के साथ इस स्पद नहीं रहना चाहती जय और अली को उनके पीछे जाने के लिए मजबूर किया जाता है पीछा करने के बाद वे सभी एक झरने के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां अली सुनहरी को पकड़ लेता है सुनहरी आर्यन के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बावजूद उसे गोली मार देता है आर्यन झरने से गिरता है जिसके बाद जय सुनहरी को आजाद कर देता है छ महीने बाद यह पता चलता है कि आर्यन बच गया है और उसने सुनहरी के साथ फिजी द्वीप समूह में एक रेस्तरा खोला है जय रेस्तरा में आर्यन और सुनहरी से मिलता है और कहता है कि उनके अपराधों के बावजूद वह जोड़े को कैद नहीं करना चाहता आर्यन उसे बताता है कि डिजिटल घड़ी के जरिए चोरी की गई सभी कलाकृतियाँ कहाँ मिल सकती हैं जय एक दूसरे के प्रति युगल की भावनाओं से अवगत है और उन्हें अपने अपराध के जीवन में लौटने और अपने जीवन को बख्शने की चेतावनी के साथ रिहा करता है जाने के बाद जय को एक फोन आता है और अली को सूचित करता है कि उन्हें अपने अगले मामले के लिए भारत वापस जाना चाहिए। धूम की शुरुआत 2004 में धूम की रिलीज के साथ हुई थी यह फिल्म एक बॉक्स ऑफिस हिट बन गई और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई लेकिन समीक्षकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं भी मिली जन निर्माता चोपड़ा ने धूम टू बैक इन एक्शन नामक शुक्ल की योजना की घोषणा की पूर्ववर्ती के खलनायक कबीर शर्मा के पात्र जॉन अब्राहम को अगली कड़ी से बाहर कर दिया गया क्योंकि चोपड़ा नहीं चाहते थे कि धुमटू अपने पूर्ववर्ती की कहानियों को दोहराए इसके बजाय ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय को अगली कड़ी के मुख्य खलनायक के रूप में फ्रेंचाइजी में पेश किया गया राय के चरित्र को कैट वूमन के रूप में संक्षेपित किया गया था जो एक महिला काल्पनिक कामिक बुक पेमेल फोटले या एंटी हीरो थी राय ने कहा मैं आपको केवल इतना बता सकती हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आपने मुझे पहले करते हुए देखा है निर्माता आदित्य चोपड़ा ने राय को ब्राइड एंड प्रेजुडिस में अपनी भूमिका के लिए अपना वजन कम करने के लिए कहा चोपड़ा ने कहा लेकिन हाँ भूमिका के लिए राय को बहुत अधिक कामुकता व्यक्त करने की आवश्यकता होती है उसने आकार में आने के लिए कुछ महीनों का समय मांगा हम हर स्क्रिप्ट में हर चरित्र के बारे में बहुत स्पष्ट और क्या है अभिनेताओं की आवश्यकता थी धूम से पहले ईशा देवल को विशेष रूप से उनके लुक और उसके रवैये के बारे में बताया गया था जिससे उन्हें विकसित करने की आवश्यकता थी वह आसानी से सहमत हो गई और देखे कि धूम ने उनके करियर के साथ क्या किया रोशन ने अपनी भूमिकाओं के लिए पाँच किलो वजन भी घटाया आदित्य चोपड़ा ने अनुरोध पर अब्राहम और देवल के अपवाद के साथ धूम में अन्य सभी पृष्ठभूमि के, के साथ संगीत प्रीतम द्वारा रचा गया था आसिफ अली बेग द्वारा धूम अगैन और बंटी राजपूत द्वारा रिमिक्स किए गए क्रेजी किस को छोड़कर गीत समीर द्वारा लिखे गए थे हालांकि गाने के अधिकांश बोल मुख्य रूप से कुछ अंग्रेजी के साथ हिंदी में लिखे गए हैं धोमगैन लगभग पूरी तरह से अंग्रेजी में है साउंड ट्रैक को समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी लेकिन दर्शकों ने इसकी भरपूर प्रशंसा की यह वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया फिल्म का साउंड ट्रैक अन्य ऑडियो प्रारूप के अलावा डी ऑडियो में रिलीज होने वाला भारतीय सिनेमा में पहला है लंदन में 5.1 पॉइंट साउंड साउंड में पटरियों को मिलाया गया बैंक बैंक हॉलीवुड की नाइट एंड डे का अधिकृत रूप से हिंदी रीमेक है फॉक्स स्टार स्टूडियो और फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ आनंद का कहना है कि दर्शक फिल्म के जबरदस्त एक्शन को देख रोमांचित हो उठेंगे एक सीक्रेट एजेंट की जिंदगी की कहानी बयां करती इस फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक्शन है फिल्म निर्माताओं का कहना है कि फिल्म के धांसू एक्शन आधुनिक हथियारों का प्रयोग और कोलाहल को सिर्फ बैंक बैंग नाम ही दिया जा सकता है बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश हीरो माने जाने वाले ऋतिक रोशन को उनके फैंस सीक्रेट एजेंट की भूमिका में देखने का इंतजार कर रहे थे कहानी की शुरुआत एक सीधी साधी बैंक रिसेप्शनिस्ट हरलिन साहनी यानी कैटरीना कैप और एक चार्मिंग लेकिन रह किस्म के शख्स राजवीर नंदा यानी ऋतिक रोशन की अचानक मुलाकात के साथ होती है संयोग से हुई इस मुलाकात के दौरान आसमान में मंडराते प्लेन, कार चेज और धुआंधार गोलीबारी शुरू हो जाती है लेकिन राजवीर के साथ देश विदेश में लंबी यात्राएं करने के बाद हरलीन को यह महसूस होता है की वह एक अच्छा इंसान है आप हरलिन राजवीर पर विश्वास कर सकती है लेकिन क्या ऐसी स्थिति में जब राजवीर का सामना अब भी इन खतरों से हो रहा है हरलीन का उस पर विश्वास करना कारगर होगा राजवीर यानी ऋतुक रोशन के पास कोई नूर हीरा है और उसके पीछे हैं बहुत सारे लोग उसके डेयरिंग स्टंट से अपने पीछे पड़े लोगों से बचा लेते हैं इस बीच उसकी लाइफ में आती है एक बैंक रिसेप्शनिस्ट हरलिन साहनी यानी कैटरीना कैप हरलिन को राजबीर से प्यार हो जाता है लेकिन वो हमेशा एक अजीब कन्फ्यूजन में रहती है क्योंकि जब भी उसकी राजबीर से मुलाकात होती है उस पर कोई ना कोई एंडरेंस अटैक हो जाता है एक और अजीब बात है राजबीर उसे अपने साथ कभी शिमला कभी अबूधाबी और कभी प्राग ले जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो वहाँ पहुँची कैसे क्योंकि वो कभी होशो हवास में नहीं जाती बल्कि बेहोशी में लाई जाती है और क्या बताएं क्योंकि बताने के लिए कुछ होना भी चाहिए फिल्म के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने पहले भी कोई जिक्र के काबिल फिल्म नहीं दी है तो उनसे उम्मीद करना बेकार है पर ऋतिक रोशन से काफी एक्सपेक्ट किया था लेकिन एक्टिंग में उन्होंने मेहनत नहीं की है कैटरीना जब आधे टाइम बेहोश रहती थी तो बेचारी क्या करती अगर आपने दोनों की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में देखने के बाद इस फिल्म को देखने का डिसीजन लिया है तो जाहिर है आपके टूटे दिल पर मरहम रखने के लिए महज दमदार एक्शन और ब्रेथ टेकिंग स्टंट ही है क्योंकि हॉलीवुड में अमेजिंग स्पाइडमैन एक्शन डायरेक्टर एंटी आर्मस्ट्रांग ने अपना काम बाखूबी किया है अब आप समझ सकते हैं कि ऋतिक रोशन एक्शन सीन क्यों हाईलाइट कर रहे थे और शाहिद कपूर जो बैंग बैंग डेयर उन्होंने दिया है वो खुद उनके लिए कितने फायदे का सौदा है क्योंकि खुद तो हैदर दिखेंगे और शाहिद झेलेंगे बैंग बैंग ये शायद ट्रेजिडी ही है कि कंटेंट और एक्टिंग से भरपूर हैदर को ओपनिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में बैंग बैंग ने पीछे छोड़ दिया लेकिन ये मूवी टाइम पास के लिए वन टाइम वॉच ही है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म बैंक बैंक प्रेरित है हॉलीवुड फिल्म डे एंड नाइट से लेकिन चूंकि हमने डे एंड नाइट नहीं देखी है इसलिए दोनों फिल्मों की तुलना नहीं कर सकते वैसे बैंक बैंक की कहानी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि उससे कहानी का सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा हम आपको बैंक बैंक के बारे में सिर्फ इतना बता सकते हैं कि लंदन से कोहिनूर ही नोर हीरो की चोरी के आरोपी हैं राजवीर यानी ऋतिक रोशन और इसलिए उनके पीछे पड़ी है लंदन से लेकर भारत तक की खुफिया एजेंसियाँ ऋतिक रोशन इन सबसे भाग रहे हैं और इतिभाग से मिली कैटरीना कैफ भी उनके साथ भाग रही हैं फिल्म में जबरदस्त एक्शन हैं सुंदर दृश्य हैं और खूबसूरत फोटोग्राफी है फिल्म में कैटरीना और ऋतिक रोशन के किरदार कहीं कहीं हंसाते भी हैं बैंग बैंग में कई ट्विस्ट एंड टर्नस हैं और फिल्म अपने सस्पेंस को भी बरकरार रखती है यानी कह सकते हैं कि बैंग बैंग को पूरी तरह एक बॉलीवुड मसाला फिल्म बनाने की कोशिश की गई है लेकिन फिल्म के निर्देशक हैं सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने पहले भी कोई ग्रेट फिल्म नहीं दी है इसलिए हम उनसे ज़्यादा उम्मीद लेकर भी नहीं गए थे हम गए थे यह सोचकर कि ऋतिक रोशन और कैटरीना की फिल्म में अच्छी कहानी भी होगी मगर अफसोस हम निराश हुए बैंग बैंग की कहानी कमजोर है और संगीत भी बेहद साधारण है यानी मैं कह सकता हूँ कि फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा जो कहानी का होता है वह कमज़ोर है और जो कुछ है भी उसमें कुछ नयापन नहीं है अगर आप ऋतिक रोशन और कैटरीना कैप के फैन या आपको एक्शन देखना बेहद अच्छा लगता है या सुंदर दृश्य देखना पसंद है तो इस फिल्म को आप एक बार देख सकते हैं वैसे अगर नहीं देखोगे तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बैंग बैंग जितना डिजर्व करती है मैं उससे कुछ ज्यादा रेटिंग दे रहा हूँ इसके जबरदस्त एक्शन और सुंदर दृश्यों के लिए मेरी तरफ से इस फिल्म की रेटिंग है थ्री स्टार आउट ऑफ फाइव बैंग बैंग एक मसाला एक्शन फिल्म है इस मूवी के अगर एक्शन और स्टंट की बात करें तो यह धूम टू और धूम थ्री से काफी अच्छे हैं फिल्म में एक्शन सीन ही सबसे बड़े प्लस पॉइंट हैं हवाई जहाज स्टीमर कार बाइक की रेस समुद्र में ऋतिक कटरीना पर फिल्माए गए एक्शन सीन इससे पहले ही किसी हिंदी फिल्म में नजर आए हों मूवी का बेस्ट पार्ट इसका है, कार सीन है। इस कहानी में के राजबीर यानी के पास नूर हीरा है, जो लंदन में पिछले करीब डेढ़ सौ सालों से सुरक्षित पड़ा है लेकिन यह हीरा अब राजवीर के पास है राजवीर के साथ इस कोहिनूर का सौदा करने के लिए एक इंटरनेशनल गैंग के लोग शिमला आते हैं यही राजवीर की मुलाकात शिमला के एक बैंक में रिसेप्शनिस्ट हरलिन साहनी यानी कैटरीना कैप से होती है जो यहाँ अपनी दादी के साथ रहती है हरलिन का सपना पूरी दुनिया घूमने का है पहले ही मुलाकात में हरलिन राजबीर पर फिदा हो जाती है अजीब संयोग है दोनों जब भी कहीं मिलते हैं वही राजबीर पर अटैक होता है ऐसे में राजबीर को शक होता है इसी बीच राजबीर को ऐसे सुराग मिलते हैं जिसका पता लगाने के लिए वह पराग जाता है और उसके साथ हरलिन भी होती है यहीं से कहानी टर्न लेती है और कहानी में डॉन उमर जफर डैनी की एंट्री होती है जफर अपने गैंग के साथ किसी भी कीमत पर इस कोहिनी और हीरो को हासिल करने में लगा है दूसरी ओर प्राग में आ चुके राजबीर को इंतजार है उमर जफर से मुलाकात का क्रिस और धूम करने के बाद ऋतिक के लिए राजबीर का किरदार करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा यकीनन शुरुआत से आखिर तक पूरी फिल्म ऋतिक रोशन के कंधे पर टिकी है हैरत है डैनी है जिसे कलाकारों को डायरेक्टर ने बेहद कम फुटेज क्यों दी हर बार की तरह इस बार भी कैटरीना हिंदी ठीक नहीं बोल पाई शायद यही वजह रही कि डायरेक्टर ने हरलीन के किरदार को कनाडा मोल का बताया है जावेद जाफरी और पवन मल्होत्रा ने अपने किरदार अच्छे ढंग से निभाए हैं फिल्म की शुरुआत मिस्टर यानी ऋतिक रोशन के ब्रिटिश रानी के मुकुट चोरी करने से होती है नई उन्नत मिलने पर अफसर अली यानी उदय चोपड़ा और जयदिश छित यानी अभिषेक बच्चन सोनाली बोस यानी पशु से मिलते हैं और जो जय के अच्छे दोस्त भी है शुरुआती छानबीन से जय को पता चलता है कि मिस्टर ए मुंबई में अगली चोरी करेगा और शहर में स्थित किसी दो संग्रहालयों में चोरी हो गई तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की निगरानी कर रहा है वह गलत है और वह तुरंत दूसरे संग्रहालय की ओर दौड़ता है जहाँ मिस्टर ए बेस बदल हीरा चुरा फरार हो जाता है टेलीविजन पर मिस्टर ए पुलिस को उसे पकड़ने के लिए उकसाता है और उन्हें अपनी अगली चोरी की जगह बताता है प्रणाम स्वरूप दीक्षित बोस और खान एक तलवार रखे गए किले पर सख्त पहरा बिठाते हैं रात को मिस्टर ए अपने बहरूपियों से मिलता है जहां तलवार रखी होती है पुलिस को खबर लग जाती है पर दोनों तलवार छुराकर भागने में कामयाब होते हैं बहरूपिया आखिर में सुनहरी यानी अश्र राय निकलती है जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है और वे दोनों साझेदारी बना लेते हैं रियो डी जेनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली चोरी की योजना बनाते हैं सूचना के मुताबिक दीक्षित और अली अभी शहर में आज पहुंचते हैं वक्त चलते सुनहरी और मिस्टर ए में प्यार हो जाता है और मिस्टर ए उसे अपना असली नाम आर्यन बता देता है परंतु आर्यन को पता चल जाता है कि सुनहरी जासूस है जो जय के लिए काम कर रही है वह उसे खेल में खुद को गोली मारने के लिए कहता है पर वह उसे नहीं मार पाती और अपना प्यार कबूल करती है रियो में दूसरी ओर अली को मुनाली यानी बिपाशा बसु सुनाली की जुड़वा बहन से प्यार हो जाता है अपनी आखिरी चोरी में आर्यन और सुनहरी सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और सुनहरी खुलासा करते हैं कि वह जय के लिए काम नहीं करना चाहती जिससे जय और अली उनके पीछे लग जाते हैं एक लंबे समय तक पीछा करने के बाद सभी एक झरने के पास पहुँच जाते हैं जहाँ सुनहरी को अली पकड़ लेता है सुनहरी अपनी भावनाएं आर्यन को बताने के बावजूद उसे गोली मार देती है और वह झरने से नीचे गिर जाता है आर्यन के गिरने के बाद जय सुनहरी को आजाद कर देता है छह महीने बाद खुलासा किया जाता है कि आर्यन अब भी जिंदा है और सुनहरी के साथ मिलकर उसने एक रेस्तरा खोल लिया है जब आर्यन और सुनहरी को उसके रेस्तरा में आकर मिलता है और उन्हें बताता है कि उनके गुनाहों के बावजूद वह उन्हें नहीं पकड़ेगा आर्यन उसे बताता है कि सारे चुराई हुई वस्तुएं कहाँ मिलेंगी जय को दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है पर वह उन्हें आगाह करता है कि अगर दोबारा चोरी की तो फिर से वह पीछे आ जाएगा इस फिल्म को सन 2006 में फिल्म फेयर सबसे अभिनेता पुरस्कार के लिए ऋतिक रोशन को पुरस्कार मिला था आदित्य चोपड़ा की फिल्म धूम टू को रिलीज हुए पंद्रह साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है बता दें कि यह फिल्म बता दें कि यह फिल्म साल 24 तो नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जमकर सफलता कमाई थी माना जाता है कि फिल्म ने करीब एक करोड़ तक का कारोबार किया था और इसमें ऋतिक रोशन ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा और बिपाशा बसु लीड रोल में थे बता दें कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग ब्राजील में की गई थी फिल्म तो अपनी कहानी की वजह से हिट हुई ही थी लेकिन ऋतिक रोशन ऐश्वर्या के बीच किस सीन भी बेहद धमाकेदार रहा था इस सीन को करने के बाद जहाँ ऐश्वर्या राय की वजह से जमकर बवाल हुआ था क्योंकि यह पहला मौका था जब एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर यह किया था फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के बीच कुछ मिनट का किस सीन था यह पहला मौका था जब ऐश्वर्या राय ने स्क्रीन पर किसिंग सीन दिया था इसके बाद यह सीन बी टाउन की सुर्खियों में आ गया बता दें कि ये फिल्म की शूटिंग तब हुई थी जब एस और अभिषेक बच्चन की सगाई हो चुकी थी इसलिए बच्चन फैमिली भी इस सीन को लेकर नाराज़ थी और बाद में फ़िल्म से ये सीन हटा दिए गए थे इतनी ही नहीं ऐश्वर्या राय के एक इंटरव्यू में बताया गया था कि वह इस सीन को करने के बाद पछड़े में फंस गई और कई लोगों ने उन्हें लीगल नोटिस तक भेज दिए थे ऐश्वर्या ने एक फैशन मैगनीस को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन सीन की वजह से उन्हें क्या झेलना पड़ा था उन्होंने कहा था कि वे हॉलीवुड की कई स्क्रिप्ट इसलिए मना कर चुकी हैं क्योंकि वे पर्दे पर फिजिकल सीन्स करने में कम्फर्टेबल नहीं रहती धूम टू दो में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है या धूम श्रृंखला की दूसरी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गढ़वी ने किया है और निर्माण आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा द्वारा किया गया है फिल्म में अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जय दीक्षित और अली मुख्य भूमिका में हैं और एक चोर मिस्टर ए यानी ऋतिक रोशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कई वस्तुएं अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके चुराता है इस फिल्म की लागत थी पैंतीस करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी एक करोड़ रुपए धूम टू जिसे धूम टू बैक इन एक्शन के रूप में भी जाना जाता है और धूम टू के रूप में स्टाइल किया है संजय गढ़वी द्वारा निर्देशित है और विजय करहण आचार्य द्वारा लिखित एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक कहानी पर आधारित है निर्माता आदित्य चोपड़ा द्वारा जिन्होंने यशराज फिल्म के बैनर तले 350 मिलियन रुपए के अनुमानित बजट पर फिल्म का समर्थन किया फिल्म में ऋतिक रोशन अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय बिपाशा बसु उदय चोपड़ा हैं धुमटू को मुख्य रूप से भारत डरबन और रियोडी जेनेरियो में शूट किया गया था यह ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी हिंदी फिल्म बन गई थी यह 2004 की फिल्म धूम का शिकल है और धूम सुरेश की दूसरी किस्त है अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा ने क्रमशः जय दीक्षित और अली खान के दोस्त पुलिस के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेपे जींस और कोका कोला के साथ भी भागीदारी की है इस फिल्म का बजट था 350 मिलियन रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 1.5 पॉइंट बिलियन रुपए धूम टू का प्रीमियर 24 नवंबर 2006 को भारत में हुआ जहां इसे 1800 से अधिक प्रिंट के साथ भारतीय सिनेमा इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली और इसने 1.5 बिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया यह 2006 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और रिलीज के समय भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी यह विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी इसके एक्शन सीक्वेंस साउंड ट्रैक सनेटोग्राफी कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज होने पर आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन आलोचना ने इसके पेसिंग और लेखन की दिशा में निर्देशित किया बानवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में धूमटू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित आठ नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला रिलीज के बाद यह फिल्म विवादास्पाद भी साबित हुई क्योंकि मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा तेज गति वाले तेज ड्राइविंग दृश्यों को सेंसर करने की अपील की गई थी इस आशंका के कारण कि यह भारतीय युवाओं को अपनी मोटरसाइकिलों की सवारी के लिए प्रेरित करेगा जिसके परिणामस्वरूप वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में धूमथ्री नामक एक सुगंश को बीस 20 दिसंबर दो को रिलीज किया गया था जो अब तक की बारहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है और अपनी रिलीज के समय भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी धूम टू कहानी की शुरुआत होती है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर को ले जा रही है मिस्टर को ले जा रही एक ट्रेन पर चढ़ जाता है जहाँ वह खुद को रानी के रूम में प्रछन करके उसका मुकुट चुरा लेता है अपने गार्ड को आसानी से पीटता है और भाग जाता है एसीपी सी पी जय दक्षित और नौपन्नोदत्त एस आई अली अकबर खान का परिचय सोनाली बोस से कराया जाता है जो श्री ए के मामले की जांच के लिए नियुक्त का पूर्व सहपाठी भी है प्रारंभिक जांच के बाद जय मिस्टर ए की चोरी में अंतर्निहित प्रवृत्ति का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जब जय को पता चलता है कि जिस संग्रहालय की वह रखवाली कर रहा है उसकी कलाकृतियाँ अपूर्ण हैं तो वह दूसरे संग्रहालय में जाता है जहाँ एक प्रचन्न मिस्टर ए एक दुर्बल हीरा चुराता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पकड़ने वाला होता है मिस्टर ए टीबी पर देखता है कि कोई और खुद होने का दावा करता है यह कहकर पुलिस को चुनौती देता है कि वह एक प्राचीन योद्धा तलवार चुरा लेगा जवाब में जय बोस और खान तलवार के स्थान पर एक सख्त पहरा देते हैं रात में मिस्टर ए असली चोर से मिलता है जिसने तलवार रखने वाले कमरे में टीबी के पर दावा किया था पुलिस सतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सुनाली घायल हो जाती है और वे भागने में सफल हो जाते हैं प्रत्यरोपण करने वाली सुनहरी निकली एक महिला जो मिस्टर ए की पूजा करती है सुनहरी मिस्टर ए को एक गठबंधन बनाने के लिए मना कर लेती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल के एक खेल के बाद मिस्टर ए आखिरकार एक साथ काम करने के लिए सहमत हो गए रियोडीजिनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया है जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वहाँ सुनाली की जुड़वा बहन मोनाली से मिलते हैं जो केवल अंग्रेजी बोलती हैं और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सुनहरी जय से मिलती है और इस बात पर चर्चा करती है कि उसके और मिस्टर ए के बीच चीजें कैसे चल रही हैं यह खुलासा करते हुए कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वे उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को संदेश होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और मिस्टर ए उससे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताते हैं हालांकि रियो कार्निवल के दौरान मनोरंजनकर्ताओं में से एक के रूप में प्रच्छन आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देख लेता है और महसूस करता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूसी रूले खेलने के लिए मजबूर करता है सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से मना कर देती है लेकिन आर्यन उसे खेलने के लिए मजबूर करता है छह साठ के प्रयास के बाद न तो मारा गया क्योंकि आर्यन ने कभी बंदूक लोड ही नहीं की सुनहरी स्वीकार करती है कि उसने आर्यन को धोखा दिया और उसके लिए अपना प्यार कबूल करती है अपने अंतिम उत्तराधिकारी में आर्यन और सुनहरी ने प्रदर्शन करने वाले बोनो के रूम में प्रछन्न रहते हुए कुछ शुरुआती लिडियन सिक्कों को सफलतापूर्वक चुरा लिया डकैती सफलतापूर्वक होने के बाद जय को पता चलता है कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है और उसने उसे यह पुष्टि करने के लिए फोन किया कि वह आर्यन के साथ रहना चाहती है और जय के साथ इस स्पद्ध नहीं रहना चाहती जय और अली को उनके पीछे जाने के लिए मजबूर किया जाता है पीछा करने के बाद वे सभी एक झरने के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां अली सुनहरी को पकड़ लेता है सुनहरी आर्यन के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बावजूद उसे गोली मार देता है आर्यन झरने से गिरता है जिसके बाद जय सुनहरी को आजाद कर देता है छह महीने बाद यह पता चलता है कि आर्यन बच गया है और उसने सुनहरी के साथ फिजी द्वीप समूह में एक रेस्तरा खोला है जय रेस्तरा में आर्यन और सुनहरी से मिलता है और कहता है कि उनके अपराधों के बावजूद वह जोड़े को कैद नहीं करना चाहता आर्यन उसे बताता है कि डिजिटल घड़ी के जरिए चोरी की गई सभी कलाकृतियाँ कहाँ मिल सकती हैं जय एक दूसरे के प्रति युगल की भावनाओं से अवगत है और उन्हें अपने अपराध के जीवन में लौटने और अपने जीवन को बख्शने की चेतावनी के साथ रिहा करता है जाने के बाद जय को एक फोन आता है और अली को सूचित करता है कि उन्हें अपने अगले मामले के लिए भारत वापस जाना चाहिए हिट बन गई और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई लेकिन समीक्षकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं भी मिली नसीज निर्माता एस चोपड़ा ने धूम टू बैक इन एक्शन नामक शुक्ल की योजना की घोषणा की पूर्ववर्ती के खलनायक कबीर शर्मा के पात्र जॉन अब्राहम को अगली कड़ी से बाहर कर दिया गया क्योंकि चोपड़ा नहीं चाहते थे कि धूमटू अपने पूर्ववर्ती की कहानियों को दोहराए इसके बजाय ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय को अगली कड़ी के मुख्य खलनायक के रूप में फ्रेंचाइजी में पेश किया गया राय के चरित्र को कैट वूमन के रूप में संक्षेपित किया गया था जो एक महिला काल्पनिक कामिक बुक पेमेल फोटले या एंटी हीरो थी राय ने कहा मैं आपको केवल इतना बता सकती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आपने मुझे पहले करते हुए देखा है निर्माता आदित्य चोपड़ा ने राय को ब्राइड एंड प्रेजुडिस में अपनी भूमिका के लिए अपना वजन कम करने के लिए कहा यश चोपड़ा ने कहा लेकिन हाँ भूमिका के लिए राय को बहुत अधिक कामुकता व्यक्त करने की आवश्यकता होती है उसने आकार में आने के लिए कुछ महीनों का समय मांगा हम हर स्क्रिप्ट में हर चरित्र के बारे में बहुत स्पष्ट और क्या है अभिनेताओं की आवश्यकता थी धूम से पहले ईशा देवल को विशेष रूप से उनके लुक और उसके रवैये के बारे में बताया गया था जिससे उन्हें विकसित करने की आवश्यकता थी वह आसानी से सहमत हो गई और देखे कि धूम ने उनके करियर के साथ क्या किया रोशन ने अपनी भूमिकाओं के लिए पाँच किलो वजन भी घटाया आदित्य चोपड़ा ने अनुरोध पर अब्राहम और देवल के अपवाद के साथ धूम में अन्य सभी पृष्ठ के साथ संगीत प्रीतम द्वारा रचा गया था आसिफ अली बेग द्वारा धूम अगेन और बंटी राजपूत द्वारा रिमिक्स किए गए क्रेजी कियारे रिमिक्स को छोड़कर गीत समीर द्वारा लिखे गए थे हालांकि गाने के अधिकांश बोल मुख्य रूप से कुछ अंग्रेजी के साथ हिंदी में लिखे गए हैं धोमगैन लगभग पूरी तरह से अंग्रेजी में है साउंड ट्रैक को समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी लेकिन दर्शकों ने इसकी भरपूर प्रशंसा की यह वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया फिल्म का साउंड ट्रैक अन्य ऑडियो प्रारूप के अलावा डी ऑडियो में रिलीज होने वाला भारतीय सिनेमा में पहला है लंदन में 5.1 पॉइंट साउंड साउंड में पटरियों को मिलाया गया बैंग बैंक हॉलीवुड की नाइट एंड डे का अधिकृत रूप से हिंदी रीमेक है फॉक्स स्टार स्टूडियो और फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ आनंद का कहना है कि दर्शक फिल्म के जबरदस्त एक्शन को देख रोमांचित हो उठेंगे एक सीक्रेट एजेंट की जिंदगी की कहानी बयां करती इस फिल्म में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक्शन है फिल्म निर्माताओं का कहना है कि फिल्म के धांसु एक्शन आधुनिक हथियारों का प्रयोग और कोलाहल को सिर्फ बैंग बैंग नाम ही दिया जा सकता है बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश हीरो माने जाने वाले ऋतिक रोशन को उनके फैंस सीक्रेट एजेंट की भूमिका में देखने का इंतजार कर रहे थे कहानी की शुरुआत एक सीधी साधी बैंक रिसेप्शनिस्ट हरलीन साहनी यानी कैटरीना कैप और एक चार्मिंग लेकिन रहसमी किस्म के शख्स राजवीर नंदा यानी ऋतिक रोशन की अचानक मुलाकात के साथ होती है संयोग से हुई इस मुलाकात के दौरान आसमान में मंडराते प्लेन कार चेज और धुआंधार गोलीबारी शुरू हो जाती है लेकिन राजवीर के साथ देश विदेश में लंबी यात्राएं करने के बाद हरलीन को यह महसूस होता है की वह एक अच्छा इंसान है क्या राजवीर पर विश्वास कर सकती है लेकिन क्या ऐसी स्थिति में जब राजवीर का सामना अब भी इन खतरों से हो रहा है हरलीन का उस पर विश्वास करना कारगर होगा राजवीर यानी ऋतुक रोशन के पास कोई नूर हीरा है और उसके पीछे हैं बहुत सारे लोग उसके डेयरिंग स्टंट से अपने पीछे पड़े लोगों से बचा लेते हैं इस बीच उसकी लाइफ में आती है एक बैंक रिसेप्शनिस्ट हरलिन साहनी यानी कैटरीना कैप हारलिन को राजबीर से प्यार हो जाता है लेकिन वो हमेशा एक अजीब कन्फ्यूजन में रहती है क्योंकि जब भी उसकी राजबीर से मुलाकात होती है उस पर कोई ना कोई एंडरेंस अटैक हो जाता है एक और अजीब बात है राजबीर उसे अपने साथ कभी शिमला कभी धाबी और कभी प्राग ले जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो वहाँ पहुँची कैसे क्योंकि वो कभी होशो हवास में नहीं जाती बल्कि बेहोशी में लाई जाती है और क्या बताएं? क्योंकि बताने के लिए कुछ होना भी चाहिए फिल्म के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने पहले भी कोई जिक्र के काबिल फिल्म नहीं दी है तो उनसे उम्मीद करना बेकार है पर ऋतिक रोशन से काफ़ी एक्सपेक्ट किया था लेकिन एक्टिंग में उन्होंने मेहनत नहीं की है कैटरीना जब आधे टाइम बेहोश रहती थी तो बेचारी क्या करती अगर आपने दोनों की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में देखने के बाद इस फिल्म को देखने का डिसीजन लिया है तो जाहिर है आपके टूटे दिल पर मरहम रखने के लिए महज दमदार एक्शन और ब्रेथ टेकिंग स्टंट ही है क्योंकि हॉलीवुड में अमेजिंग स्पाइडमैन एक्शन डायरेक्टर एंटी आर्म स्ट्रांग ने अपना काम बाखूबी किया है अब आप समझ सकते हैं कि ऋतिक रोशन एक्शन सीन क्यों हाईलाइट कर रहे थे और शाहिद कपूर जो बैंग बैंग डेयर उन्होंने दिया है वो खुद उनके लिए कितने फायदे का सौदा है क्योंकि वो खुद तो हैदर दिखेंगे और शाहिद झेलेंगे बैंग बैंग ये शायद ट्रेजिडी ही है कि कंटेंट और एक्टिंग से भरपूर हैदर को ओपनिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में बैंग बैंग ने पीछे छोड़ दिया लेकिन ये मूवी टाइम पास के लिए वन टाइम वॉच ही है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म बैंक बैंक प्रेरित है हॉलीवुड फिल्म डे एंड नाइट से लेकिन चूंकि हमने डे एंड नाइट नहीं देखी है इसलिए दोनों फिल्मों की तुलना नहीं कर सकते वैसे बैंक बैंक की कहानी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि उससे कहानी का सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा हम आपको बैंक बैंक के बारे में सिर्फ इतना बता सकते हैं कि लंदन से कोहिनूर ही हीरो की चोरी के आरोपी हैं राजवीर यानी ऋतिक रोशन और इसलिए उनके पीछे पड़ी है लंदन से लेकर भारत तक की खुफिया एजेंसियाँ ऋतिक रोशन इन सबसे भाग रहे हैं और इतिभाग से मिली कटरीना कैफ भी उनके साथ भाग रही हैं। फिल्म में जबरदस्त एक्शन है सुंदर दृश्य हैं और खूबसूरत फोटोग्राफी है फिल्म में कैटरीना और ऋतिक रोशन के किरदार कहीं कहीं हंसाते भी हैं बैंक बैंक में कई ट्विस्ट एंड टर्नस हैं और फिल्म अपने सस्पेंस को भी बरकरार रखती है यानी कह सकते हैं कि बैंग बैंग को पूरी तरह एक बॉलीवुड मसाला फिल्म बनाने की कोशिश की गई है लेकिन फिल्म के निर्देशक हैं सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने पहले भी कोई ग्रेट फिल्म नहीं दी है इसलिए हम उनसे ज्यादा उम्मीद लेकर भी नहीं गए थे हम गए थे यह सोच करके ऋतिक रोशन और कटरीना की फिल्म में अच्छी कहानी भी होगी मगर अफसोस हम निराश हुए बैंग बैंग की कहानी कमजोर है और संगीत भी बेहद साधारण है यानी मैं कह सकता हूँ कि फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा जो कहानी का होता है वह कमज़ोर है और जो कुछ है भी उसमें कुछ नयापन नहीं है अगर आप ऋतिक रोशन और कैटरीना कैप के फैन या आपको एक्शन देखना बेहद अच्छा लगता है या सुंदर दृश्य देखना पसंद है तो इस फिल्म को आप एक बार देख सकते हैं वैसे अगर नहीं देखोगे तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बैंग बैंग जितना डिजर्व करती है मैं उससे कुछ ज्यादा रेटिंग दे रहा हूँ इसके जबरदस्त एक्शन और सुंदर दृश्यों के लिए मेरी तरफ से इस फिल्म की रेटिंग है थ्री स्टार आउट ऑफ फाइव बैंग बैंग एक मसाला एक्शन फिल्म है इस मूवी के अगर एक्शन और स्टंट की बात करें तो यह धूम टू और धूम थ्री से काफ़ी अच्छे हैं फिल्म में एक्शन सीन ही सबसे बड़े प्लस पॉइंट हैं हवाई जहाज स्टीमर कार बाइक की रेस समुद्र में ऋतिक कटरीना पर फिल्माए गए एक्शन सीन इससे पहले शायद ही किसी हिंदी फिल्म में नजर आए हों मूवी का बेस्ट पार्ट इसका क्लाइमैक्स है जिससे कार चेंजिंग सीन लाजवाब हैं। इस कहानी में देहरादून के राजवीर यानी ऋतिक रोशन के पास कोहिनूर हीरा है जो लंदन में पिछले करीब डेढ़ सौ सालों से सुरक्षित पड़ा है लेकिन यह हीरा अब राजवीर के पास है राजवीर के साथ इस कोहिनूर का सौदा करने के लिए एक इंटरनेशनल गैंग के लोग शिमला आते हैं यही राजबीर की मुलाकात शिमला के एक बैंक में रिसेप्शनिस्ट हरलीन शाहन यानी कैटरीना कैप से होती है जो यहाँ अपनी दादी के साथ रहती है हरलीन का सपना पूरी दुनिया घूमने का है पहली ही मुलाकात में हरलीन राजबीर पर फिदा हो जाती है अजीब संयोग है दोनों जब भी कहीं मिलते हैं वही राजबीर पर अटैक होता है ऐसे में राजबीर को शक होता है इसी बीच राजबीर को ऐसे सुराग मिलते हैं जिसका पता लगाने के लिए वह प्राग जाता है और उसके साथ हरलीन भी होती है यहीं से कहानी टर्न लेती है और कहानी में डॉन उमर जफर डैनी की एंट्री होती है जफर अपने गैंग के साथ किसी भी कीमत पर इस कोहिनी और हीरो को हासिल करने में लगा है दूसरी ओर प्राग में आ चुके राजबीर को इंतजार है उमर जफर से मुलाकात का क्रिश और धूम करने के बाद ऋतिक के लिए राजबीर का किरदार करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा यकीनन शुरुआत से आखिर तक पूरी फिल्म ऋतिक रोशन के कंधे पर टिकी है हैरत है डैनी है जिसे कलाकारों को डायरेक्टर ने बेहद कम फुटेज क्यों दी हर बार की तरह इस बार भी कैटरीना हिंदी ठीक नहीं बोल पाई शायद यही वजह रही कि डायरेक्टर ने हरलीन के किरदार को कनाडा मोल का बताया है जावेद जाफरी और पवन मल्होत्रा ने अपने किरदार अच्छे ढंग से निभाए हैं फिल्म की शुरुआत मिस्टर यानी ऋतिक रोशन के ब्रिटिश रानी के मुकुट चोरी करने से होती है नई उन्नत मिलने पर अफसर अली यानी उदय चोपड़ा और जयदिश छिथ यानी अभिषेक बच्चन सोनाली बोस यानी पासा पशु से मिलते हैं और जो जय के अच्छे दोस्त भी है शुरुआती छानबीन से जय को पता चलता है कि मिस्टर ए मुंबई में अगली चोरी करेगा और शहर में स्थित किसी दो संग्रहालयों में चोरी हो गई तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की निगरानी कर रहा है वह गलत है और वह तुरंत दूसरे संग्रहालय की ओर दौड़ता है जहाँ मिस्टर ए बेस बदल हीरा चुरा फरार हो जाता है टेलीविजन पर मिस्टर ए पुलिस को उसे पकड़ने के लिए उकसाता है और उन्हें अपनी अगली चोरी की जगह बताता है स्वरूप दीक्षित बोस और खान एक तलवार रखे गए किले पर सख्त पहरा बिठाते हैं रात को मिस्टर ए अपने बहरूपियों से मिलता है जहां तलवार रखी होती है पुलिस को खबर लग जाती है पर दोनों तलवार चुराकर भागने में कामयाब होते हैं बहरुपिया आखिर में सुनहरी यानी अशर राय निकलती है जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है और वे दोनों साझेदारी बना लेते हैं रियो डी जेनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली चोरी की योजना बनाते हैं सूचना के मुताबिक दीक्षित और अली अभी शहर में आज पहुँचते हैं वक्त चलते सुनहरी और मिस्टर ए में प्यार हो जाता है और मिस्टर ए उसे अपना असली नाम आर्यन बता देता है परंतु आर्यन को पता चल जाता है कि सुनहरी जासूस है जो जय के लिए काम कर रही है वह उसे खेल में खुद को गोली मारने के लिए कहता है पर वह उसे नहीं मार पाती और अपना प्यार कबूल करती है रियो में दूसरी ओर अली को मुनाली यानी बिपा बसु सुनाली की जुड़वा बहन से प्यार हो जाता है अपनी आखिरी चोरी में आर्यन और सुनहरी सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और सुनहरी खुलासा करती है कि वह जय के लिए काम नहीं करना चाहती जिससे जय और अली उनके पीछे लग जाते हैं एक लंबे समय तक पीछा करने के बाद सभी एक झरने के पास पहुँच जाते हैं जहाँ सुनहरी को अली पकड़ लेता है सुनहरी अपनी भावनाएं आर्यन को बताने के बावजूद उसे गोली मार देती है और वह झरने से नीचे गिर जाता है आर्यन के गिरने के बाद जय सुनहरी को आजाद कर देता है छह महीने बाद खुलासा किया जाता है कि आर्यन अब भी जिंदा है और सुनहरी के साथ मिलकर उसने एक रेस्तरा खोल लिया है जब आर्यन और सुनहरी को उसके रेस्तरा में आकर मिलता है और उन्हें बताता है कि उनके गुनाहों के बावजूद वह उन्हें नहीं पकड़ेगा आर्यन उसे बताता है कि सारे चुराई हुई वस्तुएँ कहाँ मिलेंगी जय को दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है पर वह उन्हें आगाह करता है कि अगर दोबारा चोरी की तो फिर से वह पीछे आ जाएगा इस फिल्म को सन 2006 में फिल्म फेयर सबसे अभिनेता पुरस्कार के लिए ऋतिक रोशन को पुरस्कार मिला था आदित्य चोपड़ा की फिल्म धूम टू को रिलीज हुए पंद्रह साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है बता दें कि यह फिल्म साल बता दें कि यह फिल्म साल 24 तो नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जमकर सफलता कमाई थी माना जाता है कि फिल्म ने करीब एक, एक करोड़ तक का कारोबार किया था और इसमें ऋतिक रोशन ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा और बिपाशा बसु लीड रोल में थे बता दें कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग ब्राजील में की गई थी फिल्म तो अपनी कहानी की वजह से हिट हुई ही थी लेकिन ऋतिक रोशन ऐश्वर्या के बीच किस सीन भी बेहद धमाकेदार रहा था इस सीन को करने के बाद ऐश्वर्या की वजह से जमकर बवाल हुआ था क्योंकि यह पहला मौका था जब एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर यह किया था फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के बीच कुछ मिनट का किस सीन था यह पहला मौका था जब ऐश्वर्या राय ने स्क्रीन पर किसिंग सीन दिया था इसके बाद यह सीन बी टाउन की सुर्खियों में आ गया बता दें कि यह फिल्म की शूटिंग तब हुई थी जब एस और अभिषेक बच्चन की सगाई हो चुकी थी इसलिए बच्चन फैमिली भी इस सीन को लेकर नाराज़ थी और बाद में फ़िल्म से ये सीन हटा दिए गए थे इतनी ही नहीं ऐश्वर्या राय का एक इंटरव्यू में बताया गया था कि वह इस सीन को करने के बाद पछड़े में फंस गई और कई लोगों ने उन्हें लीगल नोटिस तक भेज दिए थे ऐश्वर्या ने एक फैशन मैगनीश को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन सीन की वजह से उन्हें क्या झेलना पड़ा था उन्होंने कहा था कि वे हॉलीवुड की कई स्क्रिप्ट इसलिए मना कर चुकी हैं क्योंकि वे पर्दे पर फिजिकल सीन्स करने में कम्फर्टेबल नहीं रहती धूम टू दो में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है या धूम श्रृंखला की दूसरी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गढ़वी ने किया है और निर्माण आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा द्वारा किया गया है फिल्म में अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जयदीप और अली मुख्य भूमिका में हैं और एक चोर मिस्टर ए अनिपिक रोशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कई वस्तुएं अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके चुराता है इस फिल्म की लागत थी 35 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 150 करोड़ रुपए। धूम टू जिसे धूम टू बैक इन एक्शन के रूप में भी जाना जाता है और धूम टू के रूप में स्टाइल किया है संजय गढ़वी द्वारा निर्देशित है और विजय कृण आचार्य द्वारा लिखित एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक कहानी पर आधारित है निर्माता आदित्य चोपड़ा द्वारा जिन्होंने यशराज फिल्म के बैनर तले 350 मिलियन रुपए के अनुमानित बजट पर फिल्म का समर्थन किया फिल्म में ऋतिक रोशन अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय बिपाशा बसु उदय चोपड़ा हैं धुमटू को मुख्य रूप से भारत डरबन और योडी जेनेरियो में शूट किया गया था यह ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी हिंदी फिल्म बन गई थी यह 2004 की फिल्म धूम का शिकल है और धूम शीरीज की दूसरी किस्त है अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा ने क्रमशः जय दीक्षित और अली खान के दोस्त पुलिस के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेपे जींस और कोका कोला के साथ भी भागीदारी की है इस फिल्म का बजट था 350 मिलियन रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 1.5 पॉइंट बिलियन रुपए धूम टू का प्रीमियर 24 नवंबर 2006 को भारत में हुआ जहां इसे 1800 से अधिक प्रिंट के साथ भारतीय सिनेमा इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली और इसने 1.5 बिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया यह 2006 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और रिलीज के समय भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी यह विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी इसके एक्शन सीक्वेंस साउंड ट्रैक सोनोमेटोग्राफी कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज होने पर आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन आलोचना ने इसके पेसिंग और लेखन की दिशा में निर्देशित किया बानवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में धुमटू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित आठ नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला रिलीज के बाद यह फिल्म विवादस्पाद भी साबित हुई क्योंकि मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा तेज गति वाले तेज ड्राइविंग दृश्यों को सेंसर करने की अपील की गई थी इस आशंका के कारण कि यह भारतीय युवाओं को अपनी मोटरसाइकिलों की सवारी के लिए प्रेरित करेगा जिसके परिणामस्वरूप वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में धूम धूमथिरी नामक एक सीक्वेंस को 20 दिसंबर 2013 को रिलीज किया गया था जो अब तक की बारहवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है और अपनी रिलीज के समय भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी धूम टू कहानी की शुरुआत होती है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए कुन एलिजा बेद्य को ले जा रही है मिस्टर ए कुन एलिजा बेद्य को ले जा रही एक ट्रेन पर चढ़ जाता है जहाँ वह खुद को रानी के रूप में प्रछन करके उसका मुकुट चुरा लेता है अपने गार्ड को आसानी से पीटता है और भाग जाता है ए सी पी जय दच्छित और नौपन्नोदत्त एस आई अली अकबर खान का परिचय सोनाली बोस से कराया जाता है जो श्री ए के मामले की जांच के लिए नियुक्त का पूर्व सहपाठी भी है प्रारंभिक जांच के बाद जय मिस्टर ए की चोरी में अंतर्निहित प्रवृत्ति का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जब जय को पता चलता है कि जिस संग्रहालय की वह रखवाली कर रहा है उसकी कलाकृतियाँ अपूर्ण हैं तो वह दूसरे संग्रहालय में जाता है जहाँ एक प्रच्छन मिस्टर ए एक दुर्बल हीरा चुराता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पकड़ने वाला होता है मिस्टर ए टी पर देखता है कि कोई और खुद होने का दावा करता है यह कहकर पुलिस को चुनौती देता है कि वह एक प्राचीन योद्धा तलवार चुरा लेगा जवाब में जय बोस और खान तलवार के स्थान पर एक सख्त पहरा देते हैं रात में मिस्टर ए असली चोर से मिलता है जिसने तलवार रखने वाले कमरे में टीबी के पर दावा किया था पुलिस सतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सुनाली घायल हो जाती है और वे भागने में सफल हो जाते हैं प्रत्योपण करने वाली सुनहरी निकली एक महिला जो मिस्टर ए की पूजा करती है सुनहरी मिस्टर ए को एक गठबंधन बनाने के लिए मना कर लेती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केटबॉल के एक खेल के बाद मिस्टर ए आखिरकार एक साथ काम करने के लिए सहमत हो गए रियोडीजनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया है जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वह हवाई सुनाली की जुड़वा बहन मोनाली से मिलते हैं जो केवल अंग्रेजी बोलती हैं और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सुनहरी जय से मिलती है और इस बात पर चर्चा करती है कि उसके और मिस्टर ए के बीच चीजें कैसे चल रही हैं यह खुलासा करते हुए कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वे उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को संदेश होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और मिस्टर ए उससे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताते हैं हालांकि रियो कार्निवल के दौरान मनोरंजनकर्ताओं में से एक के रूप में प्रछन आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देख लेता है और महसूस करता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूसी रूले खेलने के लिए मजबूर करता है सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से मना कर देती है लेकिन आर्यन उसे खेलने के लिए मजबूर करता है छह साठ के प्रयास के बाद न तो मारा गया क्योंकि आर्यन ने कभी बंदूक लोड ही नहीं की सुनहरी स्वीकार करती है कि उसने आर्यन को धोखा दिया और उसके लिए अपना प्यार कबूल करती है अपने अंतिम उत्तराधिकारी में आर्यन और सुनहरी ने प्रदर्शन करने वाले बोनो के रूम में प्रचन्न रहते हुए कुछ शुरुआती लिडियन सिक्कों को सफलतापूर्वक चुरा लिया डकैती सफलतापूर्वक होने के बाद जय को पता चलता है कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है और उसने उसे यह पुष्टि करने के लिए फोन किया कि वह आर्यन के साथ रहना चाहती है और जय के साथ इस स्पद्ध नहीं रहना चाहती जय और अली को उनके पीछे जाने के लिए मजबूर किया जाता है पीछा करने के बाद वे सभी एक झरने के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां अली सुनहरी को पकड़ लेता है सुनहरी आर्यन के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बावजूद उसे गोली मार देता है आर्यन झरने से गिरता है जिसके बाद जय सुनहरी को आजाद कर देता है छ महीने बाद यह पता चलता है कि आर्यन बच गया है और उसने सुनहरी के साथ फिजी द्वीप समूह में एक रेस्तरा खोला है जय रेस्तरा में आर्यन और सुनहरी से मिलता है और कहता है कि उनके अपराधों के बावजूद वह जोड़े को कैद नहीं करना चाहता आर्यन उसे बताता है कि डिजिटल घड़ी के जरिए चोरी की गई सभी कलाकृतियाँ कहाँ मिल सकती हैं जय एक दूसरे के प्रति युगल की भावनाओं से अवगत है और उन्हें अपने अपराध के जीवन में लौटने और अपने जीवन को बख्शने की चेतावनी के साथ रिहा करता है जाने के बाद जय को एक फोन आता है और अली को सूचित करता है कि उन्हें अपने अगले मामले के लिए भारत वापस जाना चाहिए धूम फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2004 में धूम की रिलीज के साथ हुई थी यह फिल्म एक व्यवसायिक बॉक्स ऑफिस हिट बन गई और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई लेकिन समीक्षकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं भी मिली नसीर निर्माता ए चोपरा ने धूम 2 बैग इन एक्शन नामक sequel की योजना की घोषणा की पूर्वर्ती के खलनायक कबीर शर्मा के पात्र जॉन अब्राहम को अगली कड़ी से बाहर कर दिया गया क्योंकि चोपड़ा नहीं चाहते थे कि धूमटू अपने पूर्ववर्ती की कहानियों को दोहराए इसके बजाय ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय को अगली कड़ी के मुख्य खलनायक के रूप में फ्रेंचाइजी में पेश किया गया राय के चरित्र को कैट वूमन के रूप में संक्षेपित किया गया था जो एक महिला काल्पनिक कामिक बुक पेमेल फोटले या एंटी हीरो थी राय ने कहा मैं आपको केवल इतना बता सकती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आपने मुझे पहले करते हुए देखा है निर्माता आदित्य चोपड़ा ने राय को ब्राइड एंड प्रेजुडिस में अपनी भूमिका के लिए अपना वजन कम करने के लिए कहा यश चोपड़ा ने कहा लेकिन हाँ भूमिका के लिए राय को बहुत अधिक कामुकता व्यक्त करने की आवश्यकता होती है उसने आकार में आने के लिए कुछ महीनों का समय मांगा हम हर स्क्रिप्ट में हर चरित्र के बारे में बहुत स्पष्ट और क्या है अभिनेताओं की आवश्यकता थी धूम से पहले ईशा देवल को विशेष रूप से उनके लुक और उसके रवैये के बारे में बताया गया था जिससे उन्हें विकसित करने की आवश्यकता थी वह आसानी से सहमत हो गई और देखे कि धूम ने उनके करियर के साथ क्या किया रोशन ने अपनी भूमिकाओं के लिए पाँच किलो वजन भी घटाया आदित्य चोपड़ा ने अनुरोध पर अब्राहम और देवल के अपवाद के साथ धूम में पृष्ठ के साथ संगीत प्रीतम द्वारा रचा गया था आसिफ अली बेग द्वारा धूम अगेन और बंटी राजपूत द्वारा रिमिक्स किए गए क्रेजी किस को छोड़कर गीत समीर द्वारा लिखे गए थे हालांकि गाने के अधिकांश बोल मुख्य रूप से कुछ अंग्रेजी के साथ हिंदी में लिखे गए हैं धोमगैन लगभग पूरी तरह से अंग्रेजी में है साउंड ट्रैक को समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी लेकिन दर्शकों ने इसकी भरपूर प्रशंसा की यह वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया फिल्म का साउंड ट्रैक अन्य ऑडियो प्रारूप के अलावा डी ऑडियो में रिलीज होने वाला भारतीय सिनेमा में पहला है लंदन में 5.1 पॉइंट साउंड साउंड में पटरीयों को मिलाया गया बैंग बैंक हॉलीवुड की नाइट एंड डे का अधिकृत रूप से हिंदी रीमेक है फॉक्स स्टार स्टूडियो और फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ आनंद का कहना है कि दर्शक फिल्म के जबरदस्त एक्शन को देख रोमांचित हो उठेंगे एक सीक्रेट एजेंट की जिंदगी की कहानी बयां करती इस फिल्म में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक्शन है फिल्म निर्माताओं का कहना है कि फिल्म के धांसू एक्शन आधुनिक हथियारों का प्रयोग और कोलाहल को सिर्फ बैंक बैंग नाम ही दिया जा सकता है बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश हीरो माने जाने वाले ऋतिक रोशन को उनके फैंस सीक्रेट एजेंट की भूमिका में देखने का इंतज़ार कर रहे थे कहानी की शुरुआत एक सीधी साधी बैंक रिसेप्शनिस्ट हरलीन साहनी यानी कैटरीना कैप और एक चार्मिंग लेकिन किस्म के शख्स राजवीर नंदा यानी ऋतिक रोशन की अचानक मुलाकात के साथ होती है संयोग से हुई इस मुलाकात के दौरान आसमान में मंडराते प्लेन कार चेज और धुआंधार गोलीबारी शुरू हो जाती है लेकिन राजवीर के साथ देश विदेश में लंबी यात्राएं करने के बाद हरलीन को यह महसूस होता है की वह एक अच्छा इंसान है क्या हरलिन राजवीर पर विश्वास कर सकती है लेकिन क्या ऐसी स्थिति में जब राजवीर का सामना अब भी इन खतरों से हो रहा है हरलीन का उस पर विश्वास करना कारगर होगा राजवीर यानी ऋतुक रोशन के पास कोई नूर हीरा है और उसके पीछे हैं बहुत सारे लोग उसके डेरिंग स्टंट से अपने पीछे पड़े लोगों से बचा लेते हैं इस बीच उसकी लाइफ में आती है एक बैंक रिसेप्शनिस्ट हरलिन साहनी यानी कैटरीना कैप हारलिन को राजबीर से प्यार हो जाता है लेकिन वो हमेशा एक अजीब कन्फ्यूजन में रहती है क्योंकि जब भी उसकी राजबीर से मुलाकात होती है उस पर कोई ना कोई एंडरेंस अटैक हो जाता है एक और अजीब बात है राजबीर उसे अपने साथ कभी शिमला कभी अबू धाबी और कभी प्राग ले जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो वहाँ पहुँची कैसे क्योंकि वो कभी होशो हवास में नहीं जाती बल्कि बेहोशी में लाई जाती है और क्या बताएँ क्योंकि बताने के लिए कुछ होना भी चाहिए फिल्म के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने पहले भी कोई जिक्र के काबिल फिल्म नहीं दी है तो उनसे उम्मीद करना बेकार है पर रितिक रोशन से काफ़ी एक्सपेक्ट किया था लेकिन एक्टिंग में उन्होंने मेहनत नहीं की है कैटरीना जब आधे टाइम बेहोश रहती थी तो बेचारी क्या करती अगर आपने दोनों की ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में देखने के बाद इस फिल्म को देखने का डिसीजन लिया है तो जाहिर है आपके टूटे दिल पर मरहम रखने के लिए महज दमदार एक्शन और ब्रेथ टेकिंग स्टंट ही हैं क्योंकि हॉलीवुड में अमेजिंग स्पाइडमैन एक्शन डायरेक्टर एंटी आर्मस्ट्रांग ने अपना काम बाखूबी किया है अब आप समझ सकते हैं कि ऋतिक रोशन एक्शन सीन क्यों हाईलाइट कर रहे थे और शाहिद कपूर जो बैंग बैंक डेयर उन्होंने दिया है वो खुद उनके लिए कितने फायदे का सौदा है क्यूँकी खुद तो हैदर दिखेंगे और शाहिद झेलेंगे बैंग बैंग ये शायद ट्रेजिडी ही है कि कंटेंट और एक्टिंग से भरपूर हैदर को ओपनिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में बैंग बैंग ने पीछे छोड़ दिया लेकिन ये मूवी टाइम पास के लिए वन टाइम वॉच ही है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म बैंक बैंक प्रेरित है हॉलीवुड फिल्म डे एंड नाइट से लेकिन चूंकि हमने डे एंड नाइट नहीं देखी है इसलिए दोनों फिल्मों की तुलना नहीं कर सकते वैसे बैंक बैंक की कहानी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि उससे कहानी का सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा हम आपको बैंक बैंक के बारे में सिर्फ इतना बता सकते हैं कि लंदन से कोहिनूर ही हीरो की चोरी के आरोपी हैं राजवीर यानी ऋतिक रोशन और इसलिए उनके पीछे पड़ी है लंदन से लेकर भारत तक की खुफिया एजेंसियां। ऋतिक रोशन इन सबसे भाग रहे हैं और इतिभाग से मिली कटरीना कैफ भी उनके साथ भाग रही हैं फिल्म में जबरदस्त एक्शन है, सुंदर दृश्य हैं है और खूबसूरत फोटोग्राफी है फिल्म में कैटरीना और ऋतिक रोशन के किरदार कहीं कहीं हंसाते भी हैं बैंग बैंग में कई ट्विस्ट एंड टर्नस हैं और फिल्म अपने सस्पेंस को भी बरकरार रखती है यानी कह सकते हैं कि बैंग बैंग को पूरी तरह एक बॉलीवुड मसाला फिल्म बनाने की कोशिश की गई है लेकिन फिल्म के निर्देशक हैं सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने पहले भी कोई ग्रेट फिल्म नहीं दी है इसलिए हम उनसे ज्यादा उम्मीद लेकर भी नहीं गए थे हम गए थे यह सोचकर कि ऋतिक रोशन और कैटरीना की फिल्म में अच्छी कहानी भी होगी मगर अफसोस हम निराश हुए बैंग बैंग की कहानी कमजोर है और संगीत भी बेहद साधारण है यानी मैं कह सकता हूँ कि फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा जो कहानी का होता है वह कमजोर है और जो कुछ है भी उसमें कुछ नयापन नहीं है अगर आप ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ के फैन या आपको एक्शन देखना बेहद अच्छा लगता है या सुंदर दृश्य देखना पसंद है तो इस फिल्म को आप एक बार देख सकते हैं वैसे अगर नहीं देखोगे तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बैंग बैंक जितना डिजर्व करती है मैं उससे कुछ ज़्यादा रेटिंग दे रहा हूँ इसके जबरदस्त एक्शन और सुंदर दृश्यों के लिए मेरी तरफ से इस फिल्म की रेटिंग है थ्री स्टार आउट ऑफ फाइव बैंग बैंग एक मसाला एक्शन फिल्म है इस मूवी के अगर एक्शन और स्टंट की बात करें तो यह धूम टू और धूम थ्री से काफ़ी अच्छे हैं फिल्म में एक्शन सीन ही सबसे बड़े प्लस पॉइंट हैं हवाई जहाज स्टीमर कार बाइक की रेस समुद्र में ऋतिक कटरीना पर फिल्माए गए एक्शन सीन इससे पहले शायद ही किसी हिंदी फिल्म में नजर आए हों मूवी का बेस्ट पार्ट इसका क्लाइमैक्स है जिससे कार चेंजिंग सीन लाजवाब हैं। इस कहानी में देहरादून के राजवीर यानी ऋतिक रोशन के पास कोहिनूर हीरा है जो लंदन में पिछले करीब डेढ़ सौ सालों से सुरक्षित पड़ा है लेकिन यह हीरा अब राजवीर के पास है राजवीर के साथ इस कोहिनूर का सौदा करने के लिए एक इंटरनेशनल गैंग के लोग शिमला आते हैं यही राजबीर की मुलाकात शिमला के एक बैंक में रिसेप्शनिस्ट हरलीन साहनी यानी कैटरीना कैप से होती है जो यहाँ अपनी दादी के साथ रहती है हरलीन का सपना पूरी दुनिया घूमने का है पहली ही मुलाकात में हरलीन राजबीर पर फिदा हो जाती है अजीब संयोग है दोनों जब भी कहीं मिलते हैं वही राजबीर पर अटैक होता है ऐसे में राजबीर को शक होता है इसी बीच राजबीर को ऐसे सुराग मिलते हैं जिसका पता लगाने के लिए वह पराग जाता है और उसके साथ हरलीन भी होती है यहीं से कहानी टर्न लेती है और कहानी में डॉन उमर जफर डैनी की एंट्री होती है जफर अपने गैंग के साथ किसी भी कीमत पर इस कोहिनी और हीरो को हासिल करने में लगा है दूसरी ओर प्राग में आ चुके राजबीर को इंतजार है उमर जफर से मुलाकात का क्रिश और धूम करने के बाद ऋतिक के लिए राजबीर का किरदार करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा यकीनन शुरुआत से आखिर तक पूरी फिल्म ऋतिक रोशन के कंधे पर टिकी है हैरत है डैनी है जिसे कलाकारों को डायरेक्टर ने बेहद कम फुटेज क्यों दी हर बार की तरह इस बार भी कैटरीना हिंदी ठीक नहीं बोल पाई शायद यही वजह रही कि डायरेक्टर ने हरलीन के किरदार को कनाडा मोल का बताया है जावेद जाफरी और पवन मल्होत्रा ने अपने किरदार अच्छे ढंग से निभाए हैं फिल्म की शुरुआत मिस्टर ऋतिक रोशन के ब्रिटिश रानी के मुकुट चोरी करने से होती है नई उन्नत मिलने पर अफसर अली यानी उदय चोपड़ा और जयदिश छित यानी अभिषेक बच्चन सोनाली बॉस यानी पासा पशु से मिलते हैं और जो जय के अच्छे दोस्त भी है शुरुआती छानबीन से जय को पता चलता है कि मिस्टर ए मुंबई में अगली चोरी करेगा और शहर में स्थित किसी दो संग्रहालयों में चोरी हो गई तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की निगरानी कर रहा है वह गलत है और वह तुरंत दूसरे संग्रहालय की ओर दौड़ता है जहाँ मिस्टर ए बेस बदल हीरा चुरा फरार हो जाता है टेलीविजन पर मिस्टर ए पुलिस को उसे पकड़ने के लिए उकसाता है और उन्हें अपनी अगली चोरी की जगह बताता है प्रणाम स्वरूप दीक्षित बोस और खान एक तलवार रखे गए किले पर सख्त पहरा बिठाते हैं रात को मिस्टर ए अपने बहरूपियों से मिलता है जहां तलवार रखी होती है पुलिस को खबर लग जाती है पर दोनों तलवार चुराकर भागने में कामयाब होते हैं बहरुपिया आखिर में सुनहरी यानी अशर राय निकलती है जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है और वे दोनों साझेदारी बना लेते हैं रियो डी जेनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली चोरी की योजना बनाते हैं सूचना के मुताबिक दीक्षित और अली अभी शहर में आज पहुँचते हैं वक्त चलते सुनहरी और मिस्टर ए में प्यार हो जाता है और मिस्टर ए उसे अपना असली नाम आर्यन बता देता है परंतु आर्यन को पता चल जाता है कि सुनहरी जासूस है जो जय के लिए काम कर रही है वह उसे खेल में खुद को गोली मारने के लिए कहता है पर वह उसे नहीं मार पाती और अपना प्यार कबूल करती है रियो में दूसरी ओर अली को मुनाली यानी बिपासा बसु सुनाली की जुड़वा बहन से प्यार हो जाता है अपनी आखिरी चोरी में आर्यन और सुनहरी सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और सुनहरी खुलासा करते हैं कि वह जय के लिए काम नहीं करना चाहती जिससे जय और अली उनके पीछे लग जाते हैं एक लंबे समय तक पीछा करने के बाद सभी एक झरने के पास पहुँच जाते हैं जहाँ सुनहरी को अली पकड़ लेता है सुनहरी भावनाएं आर्यन अब भी जिंदा है और सुनहरी के साथ मिलकर उसने एक रेस्त्रा खोल लिया है जब आर्यन और सुनहरी को उसके रेस्तरा में आकर मिलता है और उन्हें बताता है कि उनके गुनाहों के बावजूद वह उन्हें नहीं पकड़ेगा आर्यन उसे बताता है कि सारे चुराई हुई वस्तुएं कहाँ मिलेंगी जय को दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है पर वह उन्हें आगाह करता है कि अगर दोबारा चोरी की तो फिर से वह पीछे आ जाएगा इस फिल्म को सन 2006 में फिल्म फेयर सबसे अभिनेता पुरस्कार के लिए ऋतिक रोशन को पुरस्कार मिला था आदित्य चोपड़ा की फिल्म धूम टू को रिलीज हुए पंद्रह साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है बता दें कि ये फिल्म साल बता दें कि यह फिल्म साल 24 नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जमकर सफलता कमाई थी माना जाता है कि फिल्म ने करीब एक करोड़ तक का कारोबार किया था और इसमें ऋतिक रोशन ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा और बिपाशा बसु लीड रोल में थे बता दें कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग ब्राजील में की गई थी फिल्म तो अपनी कहानी की वजह से हिट हुई ही थी लेकिन ऋतिक रोशन ऐश्वर्या के बीच किस सीन भी बेहद धमाकेदार रहा था इस सीन को करने के बाद ऐश्वर्या राय की वजह से जमकर बवाल हुआ था क्योंकि यह पहला मौका था जब एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर यह किया था फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के बीच कुछ मिनट का किस सीन था यह पहला मौका था जब ऐश्वर्या राय ने स्क्रीन पर किसिंग सीन दिया था इसके बाद यह सीन बी टाउन की सुर्खियों में आ गया बता दें कि यह फिल्म की शूटिंग तब हुई थी जब एस और अभिषेक बच्चन की सगाई हो चुकी थी इसलिए बच्चन फैमिली भी इस सीन को लेकर नाराज़ थी और बाद में फ़िल्म से ये सीन हटा दिए गए थे इतनी ही नहीं ऐश्वर्या राय का एक इंटरव्यू में बताया गया था कि वह इस सीन को करने के बाद पछड़े में फंस गई और कई लोगों ने उन्हें लीगल नोटिस तक भेज दिए थे ऐश्वर्या ने एक फैशन मैगनीश को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन सीन की वजह से उन्हें क्या झेलना पड़ा था उन्होंने कहा था कि वे हॉलीवुड की कई स्क्रिप्ट इसलिए मना कर चुकी हैं क्योंकि वे पर्दे पर फिजिकल सीन्स करने में कम्फर्टेबल नहीं रहती धूम टू दो में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है या धूम श्रृंखला की दूसरी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गढ़वी ने किया है और निर्माण आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा द्वारा किया गया है फिल्म में अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जयदीप छिथ और अली मुख्य भूमिका में हैं और एक चोर मिस्टर ए रोशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कई बेसकीमती अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके चुराता है इस फिल्म की लागत थी पैंतीस करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी एक करोड़ रुपए धूम टू जिसे धूम टू बैक इन एक्शन के रूप में भी जाना जाता है और धूम टू के रूम में स्टाइल किया है संजय गढ़वी द्वारा निर्देशित है और विजय कर आचार्य द्वारा लिखित एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक कहानी पर आधारित है निर्माता आदित्य चोपड़ा द्वारा जिन्होंने यशराज फिल्म के बैनर तले 350 मिलियन रुपए के अनुमानित बजट पर फिल्म का समर्थन किया फिल्म में ऋतिक रोशन अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय बिपाशा बसु उदय चोपड़ा हैं धुमटू को मुख्य रूप से भारत डर्बन और रियोडी जेनेरियो में शूट किया गया था यह ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी हिंदी फिल्म बन गई थी यह 2004 की फिल्म धूम का शिकल है और धूम शीरीज की दूसरी किस्त है अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा ने क्रमशः जय दीक्षित और अली खान के दोस्त पुलिस के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेपे जीन्स और कोका कोला के साथ भी भागीदारी की है इस फिल्म का बजट था 350 मिलियन रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 1.5 पॉइंट बिलियन रुपए धूम टू का प्रीमियर 24 नवंबर 2006 को भारत में हुआ जहां इसे 1800 से अधिक प्रिंट के साथ भारतीय सिनेमा इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली और इसने 1.5 बिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया यह 2006 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और रिलीज के समय भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी यह विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी इसके एक्शन सीक्वेंस साउंड ट्रैक सोनेटोग्राफी कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज होने पर आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन आलोचना ने इसके पेसिंग और लेखन की दिशा में निर्देशित किया बानवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में धुमटू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित आठ नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला रिलीज के बाद यह फिल्म विवाद भी साबित हुई क्योंकि मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा तेज गति वाले तेज ड्राइविंग दृश्यों को सेंसर करने की अपील की गई थी इस आशंका के कारण कि यह भारतीय युवाओं को अपनी मोटरसाइकिलों की सवारी के लिए प्रेरित करेगा जिसके परिणाम से वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में धूमथरी नामक एक सुकंश को 20 दिसंबर 2013 को रिलीज किया गया था जो अब तक की बारहवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है और अपनी रिलीज के समय भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी धूम टू कहानी की शुरुआत होती है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए कुन एलिजा बेद्य को ले जा रही है मिस्टर ए कुन एलिजा बेद्य को ले जा रही एक ट्रेन पर चढ़ जाता है जहाँ वह खुद को रानी के रूप में प्रछन करके उसका मुकुट चुरा लेता है अपने गार्ड को आसानी से पीटता है और भाग जाता है एसीपी सी पी जयदीक्षित और नौपनोदत्त एस आई अली अकबर खान का परिचय सोनाली बोस से कराया जाता है जो श्री ए के मामले की जांच के लिए नियुक्त का पूर्व सहपाठी भी है प्रारंभिक जांच के बाद जय मिस्टर ए की चोरी में अंतर्निहित प्रवृत्ति का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जब जय को पता चलता है कि जिस संग्रहालय की वह रखवाली कर रहा है उसकी कलाकृतियाँ अपूर्ण हैं तो वह दूसरे संग्रहालय में जाता है जहाँ एक प्रचन्न मिस्टर ए एक दुर्बल हीरा चुराता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पकड़ने वाला होता है मिस्टर ए टी पर देखता है कि कोई और खुद होने का दावा करता है यह कहकर पुलिस को चुनौती देता है कि वह एक प्राचीन योद्धा तलवार चुरा लेगा जवाब में जय बोस और खान तलवार के स्थान पर एक सख्त पहरा देते हैं रात में मिस्टर ए असली चोर से मिलता है जिसने तलवार रखने वाले कमरे में टीबी के पर दावा किया था पुलिस सतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सुनाली घायल हो जाती है और वे भागने में सफल हो जाते हैं प्रतरोपण करने वाली सुनहरी निकली एक महिला जो मिस्टर ए की पूजा करती है सुनहरी मिस्टर ए को एक गठबंधन बनाने के लिए मना कर लेती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केटबॉल के एक खेल के बाद मिस्टर ए आखिरकार एक साथ काम करने के लिए सहमत हो गए रियोडीजनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया है जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वह वे सुनाली की जुड़वा बहन मोनाली से मिलते हैं जो केवल अंग्रेजी बोलती हैं और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सुनहरी जय से मिलती है और इस बात पर चर्चा करती है कि उसके और मिस्टर ए के बीच चीजें कैसे चल रही हैं यह खुलासा करते हुए कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वे उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को संदेश होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और मिस्टर ए उससे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताते हैं हालांकि रियो कार्निवल के दौरान मनोरंजनकर्ताओं में से एक के रूप में प्रच्न आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देख लेता है और महसूस करता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूसी रूले खेलने के लिए मजबूर करता है सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से मना कर देती है लेकिन आर्यन उसे खेलने के लिए मजबूर करता है छह साठ के प्रयास के बाद न तो मारा गया क्योंकि आर्यन ने कभी बंदूक लोड ही नहीं की सुनहरी स्वीकार करती है कि उसने आर्यन को धोखा दिया और उसके लिए अपना प्यार कबूल करती है अपने अंतिम उत्तराधिकारी में आर्यन और सुनहरी ने प्रदर्शन करने वाले के रूम में प्रचन्न रहते हुए कुछ शुरुआती लिडियन सिक्कों को सफलतापूर्वक चुरा लिया डकैती सफलतापूर्वक होने के बाद जय को पता चलता है कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है और उसने उसे यह पुष्टि करने के लिए फोन किया कि वह आर्यन के साथ रहना चाहती है और जय के साथ इस स्पद नहीं रहना चाहती जय और अली को उनके पीछे जाने के लिए मजबूर किया जाता है पीछा करने के बाद वे सभी एक झरने के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां अली सुनहरी को पकड़ लेता है सुनहरी आर्यन के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बावजूद उसे गोली मार देता है आर्यन झरने से गिरता है जिसके बाद जय सुनहरी को आजाद कर देता है छह महीने बाद यह पता चलता है कि आर्यन बच गया है और उसने सुनहरी के साथ फिजी द्वीप समूह में एक रेस्तरा खोला है जय रेस्तरा में आर्यन और सुनहरी से मिलता है और कहता है कि उनके अपराधों के बावजूद वह जोड़े को कैद नहीं करना चाहता आर्यन उसे बताता है कि डिजिटल घड़ी के जरिए चोरी की गई सभी कलाकृतियाँ कहाँ मिल सकती हैं जो एक दूसरे के प्रति युगल की भावनाओं से अवगत है और उन्हें अपने अपराध के जीवन में लौटने और अपने जीवन को बख्शने की चेतावनी के साथ रिहा करता है जाने के बाद जय को एक फोन आता है और अली को सूचित करता है कि उन्हें अपने अगले मामले के लिए भारत वापस जाना चाहिए धूम धूम फ्रेंचाइजी की की शुरुआत 2004 में धूम की रिलीज के साथ हुई थी यह फिल्म एक व्यवसायिक बॉक्स ऑफिस हिट बन गई और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई लेकिन समीक्षकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं भी मिली नसीर नसीजन निर्माता एस चोपड़ा ने धूम टू बैक इन एक्शन नामक शुक्ल की योजना की घोषणा की पूर्ववर्ती के खलनायक कबीर शर्मा के पात्र जॉन अब्राहम को अगली कड़ी से बाहर कर दिया गया क्योंकि चोपड़ा नहीं चाहते थे कि धुमटू अपने पूर्ववर्ती की कहानियों को दोहराए इसके बजाय ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय को अगली कड़ी के मुख्य खलनायक के रूप में फ्रेंचाइजी में पेश किया गया राय के चरित्र को कैट वूमन के रूप में संक्षेपित किया गया था जो एक महिला काल्पनिक कामिक बुक पेमेल फोटले या एंटी हीरो थी राय ने कहा मैं आपको केवल इतना बता सकती हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आपने मुझे पहले करते हुए देखा है निर्माता आदित्य चोपड़ा ने राय को ब्राइड एंड प्रेजुडिस में अपनी भूमिका के लिए अपना वजन कम करने के लिए कहा चोपड़ा ने कहा लेकिन हाँ भूमिका के लिए राय को बहुत अधिक कामुकता व्यक्त करने की आवश्यकता होती है उसने आकार में आने के लिए कुछ महीनों का समय मांगा हम हर स्क्रिप्ट में हर चरित्र के बारे में बहुत स्पष्ट और क्या है अभिनेताओं की आवश्यकता थी धूम से पहले ईसा देवल को विशेष रूप से उनके लुक और उसके रवैये के बारे में बताया गया था जिससे उन्हें विकसित करने की आवश्यकता थी वह आसानी से सहमत हो गई और देखे कि धूम ने उनके करियर के साथ क्या किया रोशन ने अपनी भूमिकाओं के लिए पाँच किलो वजन भी घटाया

कुछ अंग्रेजी के साथ हिंदी में लिखे गए हैं धोमगैन लगभग पूरी तरह से अंग्रेजी में है साउंड ट्रैक को समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी लेकिन दर्शकों ने इसकी भरपूर प्रशंसा की यह वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया फिल्म का साउंड ट्रैक अन्य ऑडियो प्रारूप के अलावा डी ऑडियो में रिलीज होने वाला भारतीय सिनेमा में पहला है लंदन में 5.1 पॉइंट साउंड साउंड में पटरियों को मिलाया गया बैंग बैंक हॉलीवुड की नाइट एंड डे का अधिकृत रूप से हिंदी रीमेक है फॉक्स स्टार स्टूडियो और फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ आनंद का कहना है कि दर्शक फिल्म के जबरदस्त एक्शन को देख रोमांचित होटेंगे एक सीक्रेट एजेंट की जिंदगी की कहानी बयां करती इस फिल्म में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक्शन है फिल्म निर्माताओं का कहना है कि फिल्म के धांसू एक्शन आधुनिक हथियारों का प्रयोग और कोलाहल को सिर्फ बैंग बैंग नाम ही दिया जा सकता है बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश हीरो माने जाने वाले ऋतिक रोशन को उनके फैंस सीक्रेट एजेंट की भूमिका में देखने का इंतजार कर रहे थे कहानी की शुरुआत एक सीधी साधी बैंक रिसेप्शनिस्ट हरलीन साहनी यानी कैटरीना कैप और एक चार्मिंग लेकिन रहसमी किस्म के शख्स राजवीर नंदा यानी ऋतिक रोशन की अचानक मुलाकात के साथ होती है संयोग से हुई इस मुलाकात के दौरान आसमान में मंडराते प्लेन कार चेज और धुआंधार गोलीबारी शुरू हो जाती है लेकिन राजवीर के साथ देश विदेश में लंबी यात्राएं करने के बाद हरलीन को यह महसूस होता है की वह एक अच्छा इंसान है आप हरलिन राजवीर पर विश्वास कर सकती है लेकिन क्या ऐसी स्थिति में जब राजवीर का सामना अब भी इन खतरों से हो रहा है हरलीन का उस पर विश्वास करना कारगर होगा राजवीर यानी ऋतु रोशन के पास कोई नूर हीरा है और उसके पीछे हैं बहुत सारे लोग उसके डेयरिंग स्टंट से अपने पीछे पड़े लोगों से बचा लेते हैं इस बीच उसकी लाइफ में आती है एक बैंक रिसेप्शनिस्ट हरलिन साहनी यानी कैटरीना कैप हरलिन को राजबीर से प्यार हो जाता है लेकिन वो हमेशा एक अजीब कन्फ्यूजन में रहती है क्योंकि जब भी उसकी राजबीर से मुलाकात होती है उस पर कोई ना कोई एंडरेंस अटैक हो जाता है एक और अजीब बात है राजबीर उसे अपने साथ कभी शिमला कभी अबूधाबी और कभी प्राग ले जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो वहाँ पहुँची कैसे क्योंकि वो कभी होशो हवास में नहीं जाती बल्कि बेहोशी में लाई जाती है और क्या बताएं क्योंकि बताने के लिए कुछ होना भी चाहिए फिल्म के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने पहले भी कोई जिक्र के काबिल फिल्म नहीं दी है तो उनसे उम्मीद करना बेकार है पर ऋतिक रोशन से काफी एक्सपेक्ट किया था लेकिन एक्टिंग में उन्होंने मेहनत नहीं की है कैटरीना जब आधे टाइम बेहोश रहती थी तो बेचारी क्या करती अगर आपने दोनों की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में देखने के बाद इस फिल्म को देखने का डिसीजन लिया है तो जाहिर है आपके टूटे दिल पर मरहम रखने के लिए महज दमदार एक्शन और ब्रेथ टेकिंग स्टंट ही हैं। क्योंकि हॉलीवुड में अमेजिंग स्पाइडमैन एक्शन डायरेक्टर एंटी आर्मस्ट्रग ने अपना काम बाखूबी किया है अब आप समझ सकते हैं कि ऋतिक रोशन एक्शन सीन क्यों हाईलाइट कर रहे थे और शाहिद कपूर जो बैंग बैंग डेयर उन्होंने दिया है वो खुद उनके लिए कितने फायदे का सौदा है क्योंकि खुद तो हैदर दिखेंगे और शाहिद झेलेंगे बैंग बैंग ये शायद ट्रेजिडी ही है कि कंटेंट और एक्टिंग से भरपूर हैदर को ओपनिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में बैंग बैंग ने पीछे छोड़ दिया लेकिन ये मूवी टाइम पास के लिए वन टाइम वॉच ही है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म बैंक बैंक प्रेरित है हॉलीवुड फिल्म डे एंड नाइट से लेकिन चूंकि हमने डे एंड नाइट नहीं देखी है इसलिए दोनों फिल्मों की तुलना नहीं कर सकते वैसे बैंक बैंक की कहानी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि उससे कहानी का सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा हम आपको बैंक बैंक के बारे में सिर्फ इतना बता सकते हैं कि लंदन से कोहिनूर ही नूर हीरो की चोरी के आरोपी हैं राजवीर यानी ऋतिक रोशन और इसलिए उनके पीछे पड़ी है लंदन से लेकर भारत तक की खुफिया एजेंसियाँ ऋतिक रोशन इन सबसे भाग रहे हैं और इतिभाग से मिली कैटरीना कैफ का भी उनके साथ भाग रही हैं फिल्म में जबरदस्त एक्शन हैं सुंदर दृश्य हैं और खूबसूरत फोटोग्राफी है फिल्म में कैटरीना और ऋतिक रोशन के किरदार कहीं कहीं हंसाते भी हैं बैंग बैंग में कई ट्विस्ट एंड टर्नस हैं और फिल्म अपने सस्पेंस को भी बरकरार रखती है यानी कह सकते हैं कि बैंग बैंग को पूरी तरह एक बॉलीवुड मसाला फिल्म बनाने की कोशिश की गई है लेकिन फिल्म के निर्देशक हैं सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने पहले भी कोई ग्रेट फिल्म नहीं दी है इसलिए हम उनसे ज़्यादा उम्मीद लेकर भी नहीं गए थे हम गए थे यह सोचकर के ऋतिक रोशन और कटरीना की फिल्म में अच्छी कहानी भी होगी मगर अफसोस हम निराश हुए बैंग बैंग की कहानी कमजोर है और संगीत भी बेहद साधारण है यानी मैं कह सकता हूँ कि फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा जो कहानी का होता है वह कमज़ोर है और जो कुछ है भी उसमें कुछ नयापन नहीं है अगर आप ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ के फैन या आपको एक्शन देखना बेहद अच्छा लगता है या सुंदर दृश्य देखना पसंद है तो इस फिल्म को आप एक बार देख सकते हैं वैसे अगर नहीं देखोगे तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बैंग बैंग जितना डिजर्व करती है मैं उससे कुछ ज्यादा रेटिंग दे रहा हूँ इसके जबरदस्त एक्शन और सुंदर दृश्यों के लिए मेरी तरफ से इस फिल्म की रेटिंग है थ्री स्टार आउट ऑफ फाइव बैंग बैंग एक मसाला एक्शन फिल्म है इस मूवी के अगर एक्शन और स्टंट की बात करें तो यह धूम टू और धूम थ्री से काफी अच्छे हैं फिल्म में एक्शन सीन ही सबसे बड़े प्लस पॉइंट हैं हवाई जहाज स्टीमर कार बाइक की रेस समुद्र में ऋतिक कटरीना पर फिल्माए गए एक्शन सीन इससे पहले शायद ही किसी हिंदी फिल्म में नजर आए हों मूवी का बेस्ट पार्ट इसका क्लाइमैक्स है जिससे कार चेंजिंग सीन लाजवाब हैं। इस कहानी में देहरादून के राजवीर यानी ऋतिक रोशन के पास कोहिनूर हीरा है जो लंदन में पिछले करीब डेढ़ सौ सालों से सुरक्षित पड़ा है लेकिन यह हीरा अब राजवीर के पास है राजवीर के साथ इस कोहिन का सौदा करने के लिए एक इंटरनेशनल गैंग के लोग शिमला आते हैं यही राजबीर की मुलाकात शिमला के एक बैंक में रिसेप्शनिस्ट हरलिन साहनी यानी कैटरीना कैप से होती है जो यहाँ अपनी दादी के साथ रहती है हरलिन का सपना पूरी दुनिया घूमने का है पहली ही मुलाकात में हरलिन राजबीर पर फिदा हो जाती है अजीब संयोग है दोनों जब भी कहीं मिलते हैं वही राजबीर पर अटैक होता है ऐसे में राजबीर को शक होता है इसी बीच राजबीर को ऐसे सुराग मिलते हैं जिसका पता लगाने के लिए वह पराग जाता है और उसके साथ हरलिन भी होती है यहीं से कहानी टर्न लेती है और कहानी में डॉन उमर जफर यानी डैनी की एंट्री होती है जफर अपने गैंग के साथ किसी भी कीमत पर इस कोहिनूर ही हीरो को हासिल करने में लगा है दूसरी ओर प्राग में आ चुके राजबीर को इंतजार है उमर जफर से मुलाकात का क्रिस और धूम करने के बाद ऋतिक के लिए राजबीर का किरदार करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा यकीनन शुरुआत से आखिर तक पूरी फिल्म ऋतिक रोशन के कंधे पर टिकी है हैरत है डैनी है जिसे कलाकारों को डायरेक्टर ने बेहद कम फुटेज क्यों दी हर बार की तरह इस बार भी कैटरीना हिंदी ठीक नहीं बोल पाई शायद यही वजह रही कि डायरेक्टर ने हरलीन के किरदार को कनाडा मोल का बताया है जावेद जाफरी और पवन मल्होत्रा ने अपने किरदार अच्छे ढंग से निभाए हैं फिल्म की शुरुआत मिस्टर यानी ऋतिक रोशन के ब्रिटिश रानी के मुकुट चोरी करने से होती है नई उन्नत मिलने पर अफसर अली यानी उदय चोपड़ा और जयदिद छित यानी अभिषेक बच्चन सोनाली बॉस यानिपाशा पशु से मिलते हैं और जो जय के अच्छे दोस्त भी है शुरुआती छानबीन से जय को पता चलता है कि मिस्टर ए मुंबई में अगली चोरी करेगा और शहर में स्थित किसी दो संग्रहालयों में चोरी हो गई तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की निगरानी कर रहा है वह गलत है और वह तुरंत दूसरे संग्रहालय की ओर दौड़ता है जहाँ मिस्टर ए बेस बदल हीरा चुरा फरार हो जाता है टेलीविजन पर मिस्टर ए पुलिस को उसे पकड़ने के लिए उकसाता है और उन्हें अपनी अगली चोरी की जगह बताता है प्रणाम स्वरूप दीक्षित बोस और खान एक तलवार रखे गए किले पर सख्त पहरा बिठाते हैं रात को मिस्टर ए अपने बहरूपियों से मिलता है जहां तलवार रखी होती है पुलिस को खबर लग जाती है पर दोनों तलवार छुराकर भागने में कामयाब होते हैं बहरूपिया आखिर में सुनहरी यानी अश्र राय निकलती है जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है और वे दोनों साझेदारी बना लेते हैं रियो डी जेनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली चोरी की योजना बनाते हैं सूचना के मुताबिक दीक्षित और अली अभी शहर में आज पहुंचते हैं वक्त चलते सुनहरी और मिस्टर ए में प्यार हो जाता है और मिस्टर ए उसे अपना असली नाम आर्यन बता देता है परंतु आर्यन को पता चल जाता है कि सुनहरी जासूस है जो जय के लिए काम कर रही है वह उसे खेल में खुद को गोली मारने के लिए कहता है पर वह उसे नहीं मार पाती और अपना प्यार कबूल करती है रियो में दूसरी ओर अली को मुनाली यानी बिपाशा बसु सुनाली की जुड़वा बहन से प्यार हो जाता है अपनी आखिरी चोरी में आर्यन और सुनहरी सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और सुनहरी खुलासा करती है कि वह जय के लिए काम नहीं करना चाहती जिससे जय और अली उनके पीछे लग जाते हैं एक लंबे समय तक पीछा करने के बाद सभी एक झरने के पास पहुँच जाते हैं जहाँ सुनहरी को अली पकड़ लेता है सुनहरी अपनी भावनाएं आर्यन को बताने के बावजूद उसे गोली मार देती है और वह झरने से नीचे गिर जाता है आर्यन के गिरने के बाद जय सुनहरी को आजाद कर देता है छह महीने बाद खुलासा किया जाता है कि आर्यन अब भी जिंदा है और सुनहरी के साथ मिलकर उसने एक रेस्तरा खोल लिया है जब आर्यन और सुनहरी को उसके रेस्तरा में आकर मिलता है और उन्हें बताता है कि उनके गुनाहों के बावजूद वह उन्हें नहीं पकड़ेगा आर्यन उसे बताता है कि सारे चुराई हुई वस्तुएं कहाँ मिलेंगी जय को दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है पर वह उन्हें आगाह करता है कि अगर दोबारा चोरी की तो फिर से वह पीछे आ जाएगा इस फिल्म को सन 2006 में फिल्म फेयर सबसे अभिनेता पुरस्कार के लिए ऋतिक रोशन को पुरस्कार मिला था आदित्य चोपड़ा की फिल्म धूम टू को रिलीज हुए पंद्रह साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है बता दें कि ये फिल्म बता दें कि यह फिल्म साल 24 तो नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जमकर सफलता कमाई थी माना जाता है कि फिल्म ने करीब एक करोड़ तक का कारोबार किया था और इसमें ऋतिक रोशन ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा और बिपाशा बसु लीड रोल में थे बता दे की यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग ब्राजील में की गई थी फिल्म तो अपनी कहानी की वजह से हिट हुई ही थी लेकिन ऋतिक रोशन ऐश्वर्या के बीच किस सीन भी बेहद धमाकेदार रहा था इस सीन को करने के बाद ऐश्वर्या राय की जमकर बवाल हुआ था क्योंकि यह पहला मौका था जब एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर यह किया था फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के बीच कुछ मिनट का किस सीन था यह पहला मौका था जब ऐश्वर्या राय ने स्क्रीन पर किसिंग सीन दिया था इसके बाद यह सीन बी टाउन की सुर्खियों में आ गया बता दें कि ये फिल्म की शूटिंग तब हुई थी जब एस और अभिषेक बच्चन की सगाई हो चुकी थी इसलिए बच्चन फैमिली भी इस सीन को लेकर नाराज़ थी और बाद में फ़िल्म से ये सीन हटा दिए गए थे इतनी ही नहीं ऐश्वर्या राय के एक इंटरव्यू में बताया गया था कि वह इस सीन को करने के बाद पछड़े में फंस गई और कई लोगों ने उन्हें लीगल नोटिस तक भेज दिए थे ऐश्वर्या ने एक फैशन मैग्निज को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन सीन की वजह से उन्हें क्या झेलना पड़ा था उन्होंने कहा था कि वे हॉलीवुड की कई स्क्रिप्ट इसलिए मना कर चुकी हैं क्योंकि वे पर्दे पर फिजिकल सीन्स करने में कम्फर्टेबल नहीं रहती धूम टू दो हजार छः में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है या धूम श्रृंखला की दूसरी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गढ़वी ने किया है और निर्माण आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा द्वारा किया गया है फिल्म में अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जय दीक्षित और अली मुख्य भूमिका में हैं और एक चोर मिस्टर ए यानी ऋतिक रोशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कई वस्तुएं अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके चुराता है इस फिल्म की लागत थी पैंतीस करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी एक करोड़ रुपए धूम टू जिसे धूम टू बैक इन एक्शन के रूप में भी जाना जाता है और धूम टू के रूप में स्टाइल किया है संजय गढ़वी द्वारा निर्देशित है और विजय करहण आचार्य द्वारा लिखित एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक कहानी पर आधारित है निर्माता आदित्य चोपड़ा द्वारा जिन्होंने यशराज फिल्म के बैनर तले 350 मिलियन रुपए के अनुमानित बजट पर फिल्म का समर्थन किया फिल्म में ऋतिक रोशन अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय बिपाशा बसु उदय चोपड़ा हैं धुमटू को मुख्य रूप से भारत डरबन और रियोडी जेनेरियो में शूट किया गया था यह ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी हिंदी फिल्म बन गई थी यह 2004 की फिल्म धूम का शिकल है और धूम सुरेश की दूसरी किस्त है अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा ने क्रमशः जय दीक्षित और अली खान के दोस्त पुलिस के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेपे जींस और कोका कोला के साथ भी भागीदारी की है इस फिल्म का बजट था 350 मिलियन रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 1.5 पॉइंट बिलियन रुपए धूम टू का प्रीमियर 24 नवंबर 2006 को भारत में हुआ जहां इसे 1800 से अधिक प्रिंट के साथ भारतीय सिनेमा इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली और इसने 1.5 बिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया यह 2006 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और रिलीज के समय भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी यह विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी इसके एक्शन सीक्वेंस साउंड ट्रैक सनेटोग्राफी कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज होने पर आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन आलोचना ने इसके पेसिंग और लेखन की दिशा में निर्देशित किया बानवे फिल्म फेयर पुरस्कारों में धूमटू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित आठ नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला रिलीज के बाद यह फिल्म विवादास्पाद भी साबित हुई क्योंकि मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा तेज गति वाले तेज ड्राइविंग दृश्यों को सेंसर करने की अपील की गई थी इस आशंका के कारण कि यह भारतीय युवाओं को अपनी मोटरसाइकिलों की सवारी के लिए प्रेरित करेगा जिसके परिणामस्वरूप वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में धूमथ्री नामक एक सुगंश को बीस 20 दिसंबर दो को रिलीज किया गया था जो अब तक की बारहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है और अपनी रिलीज के समय भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी धूम टू कहानी की शुरुआत होती है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए कुन एलिजा बेद्यती को ले जा रही है मिस्टर ए कुन एलिजा बेद्य को ले जा रही एक ट्रेन पर चढ़ जाता है जहाँ वह खुद को रानी के रूम में प्रछन करके उसका मुकुट चुरा लेता है अपने गार्ड को आसानी से पीटता है और भाग जाता है एसीपी सी पी जय दक्षित और नौपन्नोदत्त एस आई अली अकबर खान का परिचय सोनाली बोस से कराया जाता है जो श्री ए के मामले की जांच के लिए नियुक्त का पूर्व सहपाठी भी है प्रारंभिक जांच के बाद जय मिस्टर ए की चोरी में अंतर्निहित प्रवृत्ति का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जब जय को पता चलता है कि जिस संग्रहालय की वह रखवाली कर रहा है उसकी कलाकृतियाँ अपूर्ण हैं तो वह दूसरे संग्रहालय में जाता है जहाँ एक प्रचन्न मिस्टर ए एक दुर्बल हीरा चुराता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पकड़ने वाला होता है मिस्टर ए टीबी पर देखता है कि कोई और खुद होने का दावा करता है यह कहकर पुलिस को चुनौती देता है कि वह एक प्राचीन योद्धा तलवार चुरा लेगा जवाब में जय बोस और खान तलवार के स्थान पर एक सख्त पहरा देते हैं रात में मिस्टर ए असली चोर से मिलता है जिसने तलवार रखने वाले कमरे में टीबी के पर दावा किया था पुलिस सतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सुनाली घायल हो जाती है और वे भागने में सफल हो जाते हैं प्रत्यरोपण करने वाली सुनहरी निकली एक महिला जो मिस्टर ए की पूजा करती है सुनहरी मिस्टर ए को एक गठबंधन बनाने के लिए मना कर लेती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल के एक खेल के बाद मिस्टर ए आखिरकार एक साथ काम करने के लिए सहमत हो गए रियोडीजिनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया है जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वह हवाई सुनाली की जुड़वा बहन मोनाली से मिलते हैं जो केवल अंग्रेजी बोलती हैं और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सुनहरी जय से मिलती है और इस बात पर चर्चा करती है कि उसके और मिस्टर ए के बीच चीजें कैसे चल रही हैं यह खुलासा करते हुए कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वे उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को संदेश होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और मिस्टर ए उससे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताते हैं हालांकि रियो कार्निवल के दौरान मनोरंजनकर्ताओं में से एक के रूप में प्रच्छन आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देख लेता है और महसूस करता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूसी रूले खेलने के लिए मजबूर करता है सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से मना कर देती है लेकिन आर्यन उसे खेलने के लिए मजबूर करता है छह साठ के प्रयास के बाद न तो मारा गया क्योंकि आर्यन ने कभी बंदूक लोड ही नहीं की सुनहरी स्वीकार करती है कि उसने आर्यन को धोखा दिया और उसके लिए अपना प्यार कबूल करती है अपने अंतिम उत्तराधिकारी में आर्यन और सुनहरी ने प्रदर्शन करने वाले बोनो के रूम में प्रचन्न रहते हुए कुछ शुरुआती लिडियन सिक्कों को सफलतापूर्वक चुरा लिया डकैती सफलतापूर्वक होने के बाद जय को पता चलता है कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है और उसने उसे यह पुष्टि करने के लिए फोन किया कि वह आर्यन के साथ रहना चाहती है और जय के साथ इस स्पद्ध नहीं रहना चाहती जय और अली को उनके पीछे जाने के लिए मजबूर किया जाता है पीछा करने के बाद वे सभी एक झरने के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां अली सुनहरी को पकड़ लेता है सुनहरी आर्यन के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बावजूद उसे गोली मार देता है आर्यन झरने से गिरता है जिसके बाद जय सुनहरी को आजाद कर देता है छह महीने बाद यह पता चलता है कि आर्यन बच गया है और उसने सुनहरी के साथ फिजी द्वीप समूह में एक रेस्तरा खोला है जय रेस्तरा में आर्यन और सुनहरी से मिलता है और कहता है कि उनके अपराधों के बावजूद वह जोड़े को कैद नहीं करना चाहता आर्यन उसे बताता है कि डिजिटल घड़ी के जरिए चोरी की गई सभी कलाकृतियाँ कहाँ मिल सकती हैं जय एक दूसरे के प्रति युगल की भावनाओं से अवगत है और उन्हें अपने अपराध के जीवन में लौटने और अपने जीवन को बख्शने की चेतावनी के साथ रिहा करता है जाने के बाद जय को एक फोन आता है और अली को सूचित करता है कि उन्हें अपने अगले मामले के लिए भारत वापस जाना चाहिए धूम फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2004 में धूम की रिलीज के साथ हुई थी यह फिल्म एक व्यवसायिक बॉक्स ऑफिस हिट बन गई और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई लेकिन समीक्षकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं भी मिली नसीर निर्माता चपल ने धूम 2 बैक इन एक्शन नामक sequel की योजना की घोषणा की पूर्वर्ती के खलनायक कबीर शर्मा के पात्र जॉन अब्राहम को अगली कड़ी से बाहर कर दिया गया क्योंकि चोपड़ा नहीं चाहते थे कि धूमटू अपने पूर्ववर्ती की कहानियों को दोहराए इसके बजाय ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय को अगली कड़ी के मुख्य खलनायक के रूप में फ्रेंचाइजी में पेश किया गया राय के चरित्र को कैट वूमन के रूप में संक्षेपित किया गया था जो एक महिला काल्पनिक कामिक बुक पेमेल फोटले या एंटी हीरो थी राय ने कहा मैं आपको केवल इतना बता सकती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आपने मुझे पहले करते हुए देखा है निर्माता आदित्य चोपड़ा ने राय को ब्राइड एंड प्रेजुडिस में अपनी भूमिका के लिए अपना वजन कम करने के लिए कहा यश चोपड़ा ने कहा लेकिन हाँ भूमिका के लिए राय को बहुत अधिक कामुकता व्यक्त करने की आवश्यकता होती है उसने आकार में आने के लिए कुछ महीनों का समय मांगा हम हर स्क्रिप्ट में हर चरित्र के बारे में बहुत स्पष्ट और क्या है अभिनेताओं की आवश्यकता थी धूम से पहले ईशा देवल को विशेष रूप से उनके लुक और उसके रवैये के बारे में बताया गया था जिससे उन्हें विकसित करने की आवश्यकता थी वह आसानी से सहमत हो गई और देखे कि धूम ने उनके करियर के साथ क्या किया रोशन ने अपनी भूमिकाओं के लिए पाँच किलो वजन भी घटाया आदित्य चोपड़ा ने अनुरोध पर अब्राहम और देवल के अपवाद के साथ धूम में अन्य सभी पृष्ठ के साथ संगीत प्रीतम द्वारा रचा गया था आसिफ अली बेग द्वारा धूम अगैन और बंटी राजपूत द्वारा रिमिक्स किए गए क्रेजी किआर रिमिक्स को छोड़कर गीत समीर द्वारा लिखे गए थे हालांकि गाने के अधिकांश बोल मुख्य रूप से कुछ अंग्रेजी के साथ हिंदी में लिखे गए हैं धोमगैन लगभग पूरी तरह से अंग्रेजी में है साउंड ट्रैक को समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी लेकिन दर्शकों ने इसकी भरपूर प्रशंसा की यह वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया फिल्म का साउंड ट्रैक अन्य ऑडियो प्रारूप के अलावा डी ऑडियो में रिलीज होने वाला भारतीय सिनेमा में पहला है लंदन में 5.1 पॉइंट साउंड साउंड में पटरियों को मिलाया गया बैंग बैंक हॉलीवुड की नाइट एंड डे का अधिकृत रूप से हिंदी रीमेक है फॉक्स स्टार स्टूडियो और फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ आनंद का कहना है कि दर्शक फिल्म के जबरदस्त एक्शन को देख रोमांचित हो उठेंगे एक सीक्रेट एजेंट की जिंदगी की कहानी बयां करती इस फिल्म में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक्शन है फिल्म निर्माताओं का कहना है कि फिल्म के धांसु एक्शन आधुनिक हथियारों का प्रयोग और कोलाहल को सिर्फ बैंग बैंग नाम ही दिया जा सकता है बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश हीरो माने जाने वाले ऋतिक रोशन को उनके फैंस सीक्रेट एजेंट की भूमिका में देखने का इंतजार कर रहे थे कहानी की शुरुआत एक सीधी साधी बैंक रिसेप्शनिस्ट हरलीन साहनी यानी कैटरीना कैप और एक चार्मिंग लेकिन किस्म के शख्स राजवीर नंदा यानी ऋतिक रोशन की अचानक मुलाकात के साथ होती है संयोग से हुई इस मुलाकात के दौरान आसमान में मंडराते प्लेन, कार चेज और धुआंधार गोलीबारी शुरू हो जाती है लेकिन राजवीर के साथ देश विदेश में लंबी यात्राएं करने के बाद हरलीन को यह महसूस होता है की वह एक अच्छा इंसान है क्या अब हरलिन राजवीर पर विश्वास कर सकती है लेकिन क्या ऐसी स्थिति में जब राजवीर का का सामना आप भी इन खतरों से हो रहा है हरलीन का उस पर विश्वास करना कारगर होगा यानी ऋतुक रोशन के पास कोई नूर हीरा है और उसके पीछे हैं बहुत सारे लोग उसके डेयरिंग स्टंट से अपने पीछे पड़े लोगों से बचा लेते हैं इस बीच उसकी लाइफ में आती है एक बैंक रिसेप्शनिस्ट हरलिन साहनी यानी कैटरीना कैप हारलिन को राजबीर से प्यार हो जाता है लेकिन वो हमेशा एक अजीब कन्फ्यूजन में रहती है क्योंकि जब भी उसकी राजबीर से मुलाकात होती है उस पर कोई ना कोई एंडरेंस अटैक हो जाता है एक और अजीब बात है राजबीर उसे अपने साथ कभी शिमला कभी अबूधाबी और कभी प्राग ले जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो वहाँ पहुँची कैसे क्योंकि वो कभी होशो हवास में नहीं जाती बल्कि बेहोशी में लाई जाती है और क्या बताएं क्योंकि बताने के लिए कुछ होना भी चाहिए फिल्म के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने पहले भी कोई जिक्र के काबिल फिल्म नहीं दी है तो उनसे उम्मीद करना बेकार है पर ऋतिक रोशन से काफ़ी एक्सपेक्ट किया था लेकिन एक्टिंग में उन्होंने मेहनत नहीं की है कैटरीना जब आधे टाइम बेहोश रहती थी तो बेचारी क्या करती अगर आपने दोनों की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में देखने के बाद इस फिल्म को देखने का डिसीजन लिया है तो जाहिर है आपके टूटे दिल पर मरहम रखने के लिए महज दमदार एक्शन और ब्रेथ टेकिंग स्टंट ही हैं क्योंकि हॉलीवुड में अमेजिंग स्पाइडमैन एक्शन डायरेक्टर एंटी आर्मस्ट्रांग ने अपना काम बाखूबी किया है अब आप समझ सकते हैं कि ऋतिक रोशन एक्शन सीन क्यों हाईलाइट कर रहे थे और शाहिद कपूर जो बैंग बैंग डेयर उन्होंने दिया है वो खुद उनके लिए कितने फायदे का सौदा है क्योंकि वे खुद तो हैदर दिखेंगे और शाहिद झेलेंगे बैंग बैंग ये शायद ट्रेजिडी ही है कि कंटेंट और एक्टिंग से भरपूर हैदर को ओपनिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में बैंग बैंग ने पीछे छोड़ दिया लेकिन ये मूवी टाइम पास के लिए वन टाइम वॉच ही है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म बैंक बैंक प्रेरित है हॉलीवुड फिल्म डे एंड नाइट से लेकिन चूंकि हमने डे एंड नाइट नहीं देखी है इसलिए दोनों फिल्मों की तुलना नहीं कर सकते वैसे बैंक बैंक की कहानी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि उससे कहानी का सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा हम आपको बैंक बैंक के बारे में सिर्फ इतना बता सकते हैं कि लंदन से कोहिनूर ही हीरो की चोरी के आरोपी हैं राजवीर यानी ऋतिक रोशन और इसलिए उनके पीछे पड़ी है लंदन से लेकर भारत तक की खुफिया एजेंसियाँ ऋतिक रोशन इन सबसे भाग रहे हैं और इतिभाग से मिली कटरीना कैफ भी उनके साथ भाग रही हैं। फिल्म में जबरदस्त एक्शन है सुंदर दृश्य हैं और खूबसूरत फोटोग्राफी है फिल्म में कैटरीना और ऋतिक रोशन के किरदार कहीं कहीं हंसाते भी हैं बैंक बैंक में कई ट्विस्ट एंड टर्नस हैं और फिल्म अपने सस्पेंस को भी बरकरार रखती है यानी कह सकते हैं कि बैंग बैंग को पूरी तरह एक बॉलीवुड मसाला फिल्म बनाने की कोशिश की गई है लेकिन फिल्म के निर्देशक हैं सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने पहले भी कोई ग्रेट फिल्म नहीं दी है इसलिए हम उनसे ज्यादा उम्मीद लेकर भी नहीं गए थे हम गए थे यह सोचकर के ऋतिक रोशन और कटरीना की फिल्म में अच्छी कहानी भी होगी मगर अफसोस हम निराश हुए बैंग बैंग की कहानी कमजोर है और संगीत भी बेहद साधारण है यानी मैं कह सकता हूँ कि फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा जो कहानी का होता है वह कमज़ोर है और जो कुछ है भी उसमें कुछ नयापन नहीं है अगर आप ऋतिक रोशन और कैटरीना कैप के फैन या आपको एक्शन देखना बेहद अच्छा लगता है या सुंदर दृश्य देखना पसंद है तो इस फिल्म को आप एक बार देख सकते हैं वैसे अगर नहीं देखोगे तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बैंग बैंग जितना डिजर्व करती है मैं उससे कुछ ज्यादा रेटिंग दे रहा हूँ इसके जबरदस्त एक्शन और सुंदर दृश्यों के लिए मेरी तरफ से इस फिल्म की रेटिंग है थ्री स्टार आउट ऑफ फाइव बैंग बैंग एक मसाला एक्शन फिल्म है इस मूवी के अगर एक्शन और स्टंट की बात करें तो यह धूम टू और धूम थ्री से काफ़ी अच्छे हैं फिल्म में एक्शन सीन ही सबसे बड़े प्लस पॉइंट हैं हवाई जहाज स्टीमर कार बाइक की रेस समुद्र में ऋतिक कटरीना पर फिल्माए गए एक्शन सीन इससे पहले शायद ही किसी हिंदी फिल्म में नजर आए हों मूवी का बेस्ट पार्ट इसका क्लाइमैक्स है जिससे कार चेंजिंग सीन लाजवाब हैं। इस कहानी में देहरादून के राजवीर यानी ऋतिक रोशन के पास कोहिनूर हीरा है जो लंदन में पिछले करीब डेढ़ सौ सालों से सुरक्षित पड़ा है लेकिन यह हीरा अब राजवीर के पास है राजवीर के साथ इस कोहिनूर का सौदा करने के लिए एक इंटरनेशनल गैंग के लोग शिमला आते हैं यही राजबीर की मुलाकात शिमला के एक बैंक में रिसेप्शनिस्ट हरलीन शाहन यानी कैटरीना कैप से होती है जो यहाँ अपनी दादी के साथ रहती है हरलीन का सपना पूरी दुनिया घूमने का है पहली ही मुलाकात में हरलीन राजबीर पर फिदा हो जाती है अजीब संयोग है दोनों जब भी कहीं मिलते हैं वही राजबीर पर अटैक होता है ऐसे में राजबीर को शक होता है इसी बीच राजबीर को ऐसे सुराग मिलते हैं जिसका पता लगाने के लिए वह प्राग जाता है और उसके साथ हरलीन भी होती है यहीं से कहानी टर्न लेती है और कहानी में डॉन उमर जफर डैनी की एंट्री होती है जफर अपने गैंग के साथ किसी भी कीमत पर इस कोहिनी और हीरो को हासिल करने में लगा है दूसरी ओर प्राग में आ चुके राजबीर को इंतजार है उमर जफर से मुलाकात का क्रिश और धूम करने के बाद ऋतिक के लिए राजबीर का किरदार करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा यकीनन शुरुआत से आखिर तक पूरी फिल्म ऋतिक रोशन के कंधे पर टिकी है हैरत है डैनी है जिसे कलाकारों को डायरेक्टर ने बेहद कम फुटेज क्यों दी हर बार की तरह इस बार भी कैटरीना हिंदी ठीक नहीं बोल पाई शायद यही वजह रही कि डायरेक्टर ने हरलीन के किरदार को कनाडा मोल का बताया है जावेद जाफरी और पवन मल्होत्रा ने अपने किरदार अच्छे ढंग से निभाए हैं फिल्म की शुरुआत मिस्टर यानी ऋतिक रोशन के ब्रिटिश रानी के मुकुट चोरी करने से होती है नई उन्नत मिलने पर अफसर अली यानी उदय चोपड़ा और जयदिश छिद यानी अभिषेक बच्चन सोनाली बोस यानी पशु से मिलते हैं और जो जय के अच्छे दोस्त भी है शुरुआती छानबीन से जय को पता चलता है कि मिस्टर ए मुंबई में अगली चोरी करेगा और शहर में स्थित किसी दो संग्रहालयों में चोरी हो गई तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की निगरानी कर रहा है वह गलत है और वह तुरंत दूसरे संग्रहालय की ओर दौड़ता है जहाँ मिस्टर ए बेस बदल हीरा चुरा फरार हो जाता है टेलीविजन पर मिस्टर ए पुलिस को उसे पकड़ने के लिए उकसाता है और उन्हें अपनी अगली चोरी की जगह बताता है परिणाम स्वरूप दीक्षित बोस और खान एक तलवार रखे गए किले पर सख्त पहरा बिठाते हैं रात को मिस्टर ए अपने बहरूपियों से मिलता है जहाँ तलवार रखी होती है पुलिस को खबर लग जाती है पर दोनों तलवार चुराकर भागने में कामयाब होते हैं बहरुपिया आखिर में सुनहरी यानी अशर राय निकलती है जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है और वे दोनों साझेदारी बना लेते हैं रियो डी जेनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली चोरी की योजना बनाते हैं सूचना के मुताबिक दीक्षित और अली अभी शहर में आज पहुँचते हैं वक्त चलते सुनहरी और मिस्टर ए में प्यार हो जाता है और मिस्टर ए उसे अपना असली नाम आर्यन बता देता है परंतु आर्यन को पता चल जाता है कि सुनहरी जासूस है जो जय के लिए काम कर रही है वह उसे खेल में खुद को गोली मारने के लिए कहता है पर वह उसे नहीं मार पाती और अपना प्यार कबूल करती है रियो में दूसरी ओर अली को मुनाली यानी बिपा बसु सुनाली की जुड़वा बहन से प्यार हो जाता है अपनी आखिरी चोरी में आर्यन और सुनहरी सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और सुनहरी खुलासा करती है कि वह जय के लिए काम नहीं करना चाहती जिससे जय और अली उनके पीछे लग जाते हैं एक लंबे समय तक पीछा करने के बाद सभी एक झरने के पास पहुँच जाते हैं जहाँ सुनहरी को अली पकड़ लेता है सुनहरी अपनी भावनाएं आर्यन को बताने के बावजूद उसे गोली मार देती है और वह झरने से नीचे गिर जाता है आर्यन के गिरने के बाद जय सुनहरी को आजाद कर देता है छह महीने बाद खुलासा किया जाता है कि आर्यन अब भी जिंदा है और सुनहरी के साथ मिलकर उसने एक रेस्तरा खोल लिया है जब आर्यन और सुनहरी को उसके रेस्तरा में आकर मिलता है और उन्हें बताता है कि उनके गुनाहों के बावजूद वह उन्हें नहीं पकड़ेगा आर्यन उसे बताता है कि सारे चुराई हुई वस्तुएँ कहाँ मिलेंगी जय को दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है पर वह उन्हें आगाह करता है कि अगर दोबारा चोरी की तो फिर से वह पीछे आ जाएगा इस फिल्म को सन 2006 में फिल्म फेयर सबसे अभिनेता पुरस्कार के लिए ऋतिक रोशन को पुरस्कार मिला था आदित्य चोपड़ा की फिल्म धूम टू को रिलीज हुए पंद्रह साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है बता दें कि यह फिल्म साल बता दें कि यह फिल्म साल 24 नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जमकर सफलता कमाई थी माना जाता है कि फिल्म ने करीब एक करोड़ तक का कारोबार किया था और इसमें ऋतिक रोशन ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा और बिपाशा बसु लीड रोल में थे बता दें कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग ब्राजील में की गई थी फिल्म तो अपनी कहानी की वजह से हिट हुई ही थी लेकिन ऋतिक रोशन ऐश्वर्या के बीच किस सीन भी बेहद धमाकेदार रहा था इस सीन को करने के बाद जहाँ ऐश्वर्या राय की वजह से जमकर बवाल